वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप लोग कह रहे होंगे ना, सुबह सुबह शादियां मना रही है। अरे भाई, हमारे घर में भी शादी चल रही है, पूरे पाकिस्तान में हर तरफ शादियां ही शादियां हैं, और सीज़न है ये। कहते हैं ज़रूरत इजाद की माँ होती है, और अगर आप जोर डालें अपने जहनों पर तो आपने अपनी अम्माओं को, अपनी नानियों को, दादियों को बड़ी चीज़ों को रिवैम्प करते देखा है, अलग अलग चीज़ों को एक नई शक्ल देते हुए देखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोरमे में आलू। अरे भाई, कोरमे में आलू कौन डालता है? लेकिन अगर मेहमान ज़्यादा आ जाएं तो कोरमे में आलू, हल्का सा उस पर पानी यखनी डाल के ज़रा उसको आलू गोश्त की शक्ल दे देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खा सकें और आपकी सफ़ेद पोशी कायम रहे। फिर अगर एक सीज़न में देखा अम्मा को बेडशीट चलाते हुए, तो उसी से तकियों के ग़िलाफ़ बना दिए, या कुशन कवर्स बना दिए, या पर्दों की शक्ल भी इख्तियार कर ली। तौलिए को थोड़े दिनों बाद पोचा बनते हुए देखा, और इसी तरह अपनी शादी के गरारे से जो बड़ा कीमती कपड़ा है उसको बच्चों के कपड़े में तब्दील होते हुए देखा। सो हमारी अम्माएं, ऐसा नहीं होता था कि उनके पास बहुत टाइम होता था, सारे घर के काम भी वो खुद करती थी, वो खाना भी खुद पकाती थी, पता नहीं कितने सारे उनके हाथ थे जो वो इतने सारे काम कर लेती थी। लेकिन उनको ये पता था कि मुझे चादर में रहकर पांव कैसे फैलाना है, मुझे इस जो खर्चा, इस आमदनी में रहते हुए कैसे इस माशरे के साथ चलना है और अपने घर वालों का खर्चा हटाना है। तो इसीलिए उनकी जो ज़रूरत होती थी उससे चीज़ें ईजाद होती रहती थी, और हम हैरान होते थे, क्या ये लिहाफ ये आपने सिया है बनारसी साड़ी से? ओहो हो, जल गई थी एक कोने से। अक्सर मैंने अपनी अम्मी को वो चीज़ें काम में लाते हुए देखी है, जो गलती से किसी से जल गई हों या कहीं से कीड़ा काट गया हो, मैं हैरान रह जाती थी कि यार अम्मी, आपने तो उसकी एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। हमारे घर के लिहाफ, हमारे घर के वो कहते हैं ना बेड शीट्स, किसी को गिफ्ट देना, ऊन लाकर उसको पूरा स्वेटर बुन के देना, मैंने अपनी अम्मी को चादर में पैर फैलाते हुए देखा, और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ईजाद करते हुए देखा है कि मैं तो इस मामले में उनकी फ़ैन हूँ, और आप भी अपने बड़ों की फ़ैन रही होंगी, और आपने बड़ा कोशिश की होगी कि आप उनको फॉलो करने की कोशिश करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, शादी सीज़न है, और हमारे यहाँ ख़वातीन, जो मैं तो कहती हूँ जो फूहड़ ख़वातीन हैं, उनको हर शादी पे, हर इवेंट पे नया जोड़ा चाहिए। अरे भाई, आलिया भट्ट ने तक अपनी साड़ी जो है दो तीन जगह यूटिलाइज़ कर ली, वो फिल्म स्टार है, तो हम क्या चीज़ है? सो इसीलिए ये शो ख़ास तौर पे उन फूहड़ औरतों के लिए है जिनको अपने मियाँ से हर इवेंट के लिए नए जोड़े के कपड़े चाहिए। आप एक ही जोड़े को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने बड़ों के जोड़े को, जो कभी कभार आप कहते हैं पुराना डिज़ाइन है, पुराना स्टाइल है, हमें नहीं समझ आ रहा, उसको आप अपने तरीके से बना सकते हैं। अभी मेरी कज़न की मेहंदी थी, तो मेरी कज़न की मेहंदी पे वो कुछ भी अफोर्ड कर सकती थी, वो कुछ भी पहन सकती थी, लेकिन उसने अपनी अम्मी के बरी का एक जोड़ा था हरे रंग का, जो उसने जब वो उसको शऊर आया, उसने अपनी अम्मी से कहा था ये मुझे चाहिए, और वो उसकी अम्मा ने अनटच्ड अपनी बेटी के लिए रख दिया था। और मैं हैरान रह गई जब उसने मेहंदी पे वो कपड़े पहने, उस पेपलम शर्ट के साथ उसने शरारा बनाया, नए जिद्दत के साथ उसको रिवैम्प किया, और वो दुल्हन बनकर अपनी माँ के उस जोड़े में थी। तो मैंने कहा ये जोड़ा बहुत प्रेशस है, क्योंकि इसकी एक इमोशनल वैल्यू है कि तुम्हारी अम्मी को शादी पे ये जोड़ा मिला और तुमने अपनी मेहंदी पे पहना। वीडियोस बनी और यकीन जाने मैं हैरान रह गई कि उसका काम काला तक नहीं हुआ, बता ऐसा लग रहा था कि अभी नया काम करवाया हुआ है। सो पहले तो ऐसे काम होते थे जिनको आप दिखा के अपने बच्चों को मिसालें देते हैं कि आज का काम देखो और पहले का काम देखो। सो अक्ल जो है ना, वो आपको इजाज़त देती है कि आप क्रिएटिविटी लाएं। कितने कितने लोग क्रिएटिव हैं जो अपनी जॉब्स में होते हैं, लेकिन वो कभी इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते। सो शादी के जोड़े महंगे होते हैं, अगर आप उन्हें अपने रखे हुए ऐसे जोड़ों से रिवैम्प करें तो आपका खर्चा आधे से भी आधा हो सकता है। कैसे? अरे आइडियाज़ कहाँ से आएंगे, हम हैं ना आपके मैके वाले, और खाली मैं अकेली नहीं, मेरे साथ पूरी एक फ़ौज है, और उस फौज में वो अक्लमंद सेलिब्रिटीज शामिल हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी बड़ी किफ़ायतशारी से गुजारी है और इसीलिए अपना अच्छा बैंक बैलेंस बनाया है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
चिड़िया चहचहाई है। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो अब आप सोच रहे होंगे निदा ने शोशा तो छोड़ दिया है कि रीवैम्प करो, अपने पुराने कपड़े उठाओ और उनको बिल्कुल लेटेस्ट नया बनाओ, लेकिन ये कैसे अकेली करेगी? भाई अकेली तो मैं हूँ भी नहीं, मेरे साथ पूरी आर्मी है यहाँ पे, चार ऐसे समझदार हर एज ग्रुप के, 19-20 एज ग्रुप के लोग हैं जिन 19-20 इन द सेंस के आपको यहाँ बिल्कुल टीनेजर भी मिल जाएंगी, 20s भी मिल जाएंगी, 30s भी मिल जाएंगी, सो हर टीज मिल जाएंगी आपको। तो आपको अपने मनपसंद जोड़ों की कलेक्शन यहाँ नज़र आएगी और बहुत सारे आइडियाज भी मिलेंगे हम पांचों के थ्रू। तो आइए वेलकम करते हैं सादिया इमाम, हमेशा से सलीका शौर खानदान से वाबस्ता, चाहे वो घर हो चाहे वो वार्डरोब हो, सब सलीके। अरे भाई इट रन इन द फैमिली ना, इट रन इन द फैमिली, अम्मा की तरफ से ये तो है। सो सादिया इमाम हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम किरण, किरण खान हमारे साथ। आज बहुत प्यारी लग आज तो मुझसे ये नेकलेस मुझे दे दो ठाकुर। कहां से आया ये नेकलेस? कहां से आया ये नेकलेस? किसने दिया ये नेकलेस? ओह माय गॉड, मैं सिर्फ देख रही हूं। थैंक यू सो मच। ये बारीकी तुम्हारी जो किरण की कलेक्शन है और आपने देखी है, कॉस्मिक हाथ बने हुए, और ये बांसुरी क्या है? हाँ पता नहीं, ये इंडियन है एक्चुअली, ये इंडियन बहुत सीन है। किरण किरण तुम अपना सारा टैलेंट इतना छुपा के तुमने रखा हुआ है, तुम्हारी कॉस्मिक है ना? कॉस्मिक के से कॉस्मिक। सुनो ये अवेलेबल है यार, मुझे खरीदना है। ये वाली अवेलेबल है इसलिए तो मैं आज पहन के। और कोई कलर है इसमें? ग्रे कलर है। हाँ। और वो एक तो सोल्ड हो गया है, लेकिन मैं उसका और स्टॉक फिर मंगवा लूंगी। यार ये ग्रीन तो मेहंदी के कपड़े हो, प्लेन जैसे तुमने पहने हैं, जैसे मैंने पहना हुआ, इस पे कितना उठेगा ये? तो हर कलर पे उठेगा यार, उतार के दो। थैंक यू सो मच, सीरियसली मैं ये कहती हूं, तारीफ करती है ना। अगर आपका जोड़ा ऐसा है जो आप और जगह पहन चुके हैं, ये जोड़ा मैंने बिल्कुल, ये प्लेन था, मैंने कहा अच्छा चलो मैं इसको थोड़ा सा वो करती हूँ। इसके साथ सिर्फ आप एक शॉल ले लें जरी वाली, तो ये आप शादी में रेडी टू गो हैं, रेडी हैं। एग्जैक्टली। अच्छा इसके साथ एयररिंग्स नहीं है, सिर्फ ये हार है? सिर्फ ये हार है, इसके साथ नहीं। यार कॉस्मिक कब्जा कर लेते हैं माशाल्लाह जी। और जैसे मैंने कहा आपको हर एज ग्रुप के लोग यहाँ मिलेंगे, हमारी आर्मी में सब शामिल है। फायजा खान हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? इनकी अम्मी ने इनको किफायतशारी सिखा दिया आखिरकार, वरना ये एक ही कलर की चार हील्स ले लेते ही, अलग अलग कलर्स की एक ही डिजाइन की, याद है जी? तो इनकी अम्मा ने इनके अंदर कुछ डाल दिए किफायत शाही। इतनी ज्यादा मैं अभी आपके जैसे, आपने इस ड्रेस को दोबारा से, आपने कहा ना कि रिन्यू किया है, तो ये मैं इस ड्रेस के बारे में बताना चाहूंगी, ये मेरी अम्मा की साड़ी थी। ओहो, और ये मैंने बनवा लिया अंग रखा। ग्रेट, सही है यार, अम्मा भी खुश, बेटी भी खुश, काम आ गई है ना उनका, पुरानी साड़ी काम आ गई, और उनकी ये शादी के वक्त की है। अरे यार बड़ी, और पता है उससे बड़ी इमोशनल अटैचमेंट होती है, अम्माएं खुश होती हैं कि मेरी बेटी जो है वो मेरी शादी की साड़ी को पहनी हुई है, यूटिलाइज करी। जरूर तुम्हारी अम्मा के आंखों में आंसू आए जब तुमने ये जोड़ा पहन के उनको देखा है ना। बिल्कुल। और हमारे पास है हरीम सोहेल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इनके लिए कह रही थी कि टीनेजर भी है हमारे पास है ना। तो हरीम तुम मास्टर हो कपड़े बनाने में या माही मुंडा हो तुम? मेरी अम्मा है बहुत बड़ी डिजाइनर अपने आप में, एक मेरे सारे ड्रेसेस वगैरह वही डिजाइन करती है। लेकिन बच्चियों को तो मेरी बेटी तो मतलब उसने तो मुझे कहा हटे आप छोड़े, मैं पढ़ के आऊंगी तो मैं करूंगी डिजाइनिंग। नहीं डिजाइनिंग कपड़ों की मुझे इतनी खास पता नहीं है, लेकिन अब मुझे नॉलेज हो रही है अम्मी की वजह से। काम कर रहे हैं ना अम्मी की वजह से, क्योंकि हमारे काम में बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से अब मुझे भी काफी नॉलेज हो चुकी है, पहले नहीं थी बिल्कुल भी। अच्छा, मैंने तो, मेरी बेटी तो पढ़ रही है फैशन डिजाइन, लेकिन मैं उसको कहती हूँ जब भी वो छुट्टियों पे आती है, मैं उसको कहती हूँ कि जाओ बाजार जाओ, देखो अब वो यही कर रही है, वो बिल्कुल एक अलग, थोड़े थोड़े पैसे देती हूँ कि जाओ जाके खुद अपने कपड़े डिजाइन करो और प्राइसेस का पता चले, मटेरियल का, बार्गेनिंग का पता चले, बार्गेनिंग का भी तो आइडिया हो। हाँ, सो ये है सीन, तो तुम अपनी अम्मी से सीख रही हो कुछ, है ना? आइए देखते हैं इन्होंने क्या क्या सीखा और आपको क्या क्या सिखाएंगे। कहाँ से शुरू करें? शादी आपसे हमारे साथ ये है कि कोई एक जोड़ा दे दो उसको, आठ नौ तरीके तो हम निकाल ही देंगे। सबसे पहले तो ये जोड़ा याद है, तो मैं आपके ही शो में पहन कर आई थी, गोल्डन दुपट्टे के साथ, बिल्कुल बहुत प्यारा गोल्ड का दुपट्टा था इसका। ये मेरी माँ की शॉल है, आज मैंने इसके साथ पहनी है क्योंकि वेदर ऐसा है, बहुत प्यारी है। अच्छा ये ऐसी कि आप शादी में भी आराम से पहन सकते हैं, और ये बहुत कश्मीरी शॉल है, गर्म है,
और बारीक काम की तो मैंने आज अम्मा की शॉल के साथ। हाँ। मतलब ये जो भी सॉलिड कलर है ना, ये प्लेन कलर, इसको आप इतनी दफा यूटिलाइज कर सकते हैं हमेशा। और इसको तब मैंने पहना था, याद हो तो शॉकिंग पिंक मालाएं मैंने पहनी थी इसके अच्छा साथ। हाँ। तो और प्यारा, वो और थोड़ा वो ईद का था शो या कुछ था ऐसा था। अच्छा। तो उसके लिए हम तैयारी कर कर आए थे। तो एक तो ये हो गया जो मैंने दिखाया कि जिसको आप किसी भी शॉल के साथ, किसी भी दुपट्टे के साथ, दोबारा जैसे इसी के साथ एक ये दुपट्टा अगर मुझे कहीं जाना लगता है, दुपट्टा ज़्यादा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आप उसे किसी भी तरह ड्रेप कर सकते हैं। इसी सूट पे मैंने ये दुपट्टा ले लिया। इतना अच्छा लग रहा है। अब आपका इवेंट अलग है हो गया, बिल्कुल आपका मेकअप अलग हो गया, शॉकिंग पिंक लिपस्टिक और आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ दुपट्टे पे की, सिर्फ दुपट्टे पे की, सूट आप एक, और हर बार वो सूट जो है नया अलग हो जाएगा। अच्छा, तो कानों का भी खबर नहीं। इयररिंग्स आपने थोड़े और अलग कलर के पहन लिए, आप ज्वेलरी चेंज कर ले, मेकअप चेंज कर ले, और इसको सर्दियों में पहनना है शॉल के साथ और कर दिया हैवी शॉल ले ली। तो ये एक दो तो मैंने ऐसे खड़े खड़े आपको बताए कि एक जोड़ा बनाए और उसके साथ कैसे करें। एक और दुपट्टे के साथ आपको ये दिखाती हूँ, इसीलिए मुझे सॉलिड कलर्स बहुत पसंद है। बहुत पसंद है सॉलिड कलर्स के, आप उनको इतनी दफा यूटिलाइज कर सकते हैं। ये ले, इसके नीचे दुपट्टा वो है, ये मेरे इसके साथ इतना जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ भी जा रहा है, लेकिन कभी चेंज करना हो तो मैं दुपट्टे बड़े शौक से बनाती हूँ और उन पे मेहनत भी बहुत करवाती हूँ। तो समीना बड़ा रगड़ती है बेचारी की, क्या हो रहा है। तो लेकिन ये तो ये बनवाया था या बना? बना, बनवाया। अच्छा, ये एक ही शो में माशाल्लाह तीन ड्रेसेस नजर आए हमें। तीन ड्रेसेस आपने एक ही वक्त में मेरे देखे, अलग अलग स्टाइल में। तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ बड़े प्लेन सी कुछ वो चीजें जिनके साथ मेरी यादें वापस आए। अब ये जो जोड़ा है, ये जो मैं निकाल रही हूँ ना अजार, ये जब मैं एक्टिंग किया करती थी तब मैंने ये बनवाया था। नहीं, इजार ये बनवाया था या पूरी शर्ट और वो? नहीं नहीं नहीं, इजार ये मेरा जब मैं एक्टिंग करती थी तब का है, मेरे पुराने मास्टर साहब का। ये मैंने कभी ना फेंका ना दिया, इसके सूट मैंने बांट दिए उसके बाद। और उसकी पसंद होने की वजह क्या थी? कट वट अच्छा था, बहुत अच्छा है इतना फ्लेयर इसका कट, आप देखें उससे पता चल रहा है। ये देखिए कि मैंने कितना इसको पहना है, ये पुराना है। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, ये दोबारा बनती नहीं है, मतलब कितने आते खाद है और वो ओरेप पे कटा हुआ है। ये सिलाई, ये मेरा एक सूट बनाया है समीरा ने, जिसका ट्राउजर प्लेन जो प्लेन ट्राउजर के साथ है, ये भी दिखा दूं ताकि लगे, ये स्ट्रेट ट्राउजर के साथ है, ये शर्ट है। ठीक है, इसको सबसे ज्यादा मैं सजार के साथ पहनती हूँ। अच्छा, वो हैवी लुक आ जाता है ना, थोड़ा सा नीचे घेरे। अब शर्ट दुपट्टा अलग बनवाया आपने इस इजार को मद्देनजर रखते हुए। रखते हुए जब ये सूट बन रहा था तो मैंने कहा चलो मेरे पास एक इजार है। आपको बताऊं जो आपने कमीज पहनी है ना उसके साथ भी इजार इतना, ये तो सबके साथ जाता है। ये इसी तरह एक हमारा गरारा है, खानदानी गरारा हो गया, मतलब जिसको देखो सादा अपना रेड वाला गरारा दे दीजिए। मैंने कहा मतलब हद हो गई पता है, जैसे लाइक गोरा जो है वो शर्ट्स और पैंट्स और कोट्स ये मिक्स एंड मैच करता है। अगर हम अपने वार्डरोब में सॉलिड कलर्स रखते हैं, जैसे अभी सादिया ने पहना हुआ है सॉलिड कलर या सॉलिड कलर का इजार है, तो वो बड़ा आप मिक्स एंड मैच बहुत ज्यादा बहुत काम आता है। जैकेट्स के साथ, दुपट्टे, शॉल्स के साथ, बेल्ट्स के साथ, ज्वेलरी के साथ आप एक ड्रेस को कई बार यूटिलाइज कर। अभी और दिखाऊं या अभी अपने आगे की तरफ जाना है? फिर मेरे पास बहुत ताके हाँ, फिर मैं फिर दो दूसरे चक्कर में आपके पास आऊंगी क्योंकि हम ओ में अभी ओ। अच्छा, मेरे पास क्या है ये तो मैं हटा दूं, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास पूरा आईडी वॉल भरी हुई है। ये एक सिंपल दुपट्टा था, वो मुझे वो काली शर्ट चाहिए मेरी, सुने काली शर्ट ये रही, अरे ये इन्होंने इसके साथ लगा दिया। अच्छा, ये मैंने कहा था आयरन कर दीजिएगा, ये मेरी काली शर्ट है जो मैंने बहुत पहनी है। हाँ। और हर चीज के साथ इसको मैं गया ना, वो काली मैं शर्ट तुम्हारी मिक्स हो गई आपको ना इतने तो सारे वेरिएशंस बताऊंगी। अच्छा, ये दुपट्टा था, ये काली शर्ट वो इस अगेन सॉलिड कलर, अगेन सॉलिड कलर, और अच्छी फिटिंग वाली शर्ट तो आपके रुए निकाल देती है, मतलब बेच देते हैं आप उसे। बिल्कुल, और ये बिल्कुल ही वो शिफॉन फिटेड स्लीव्स के साथ बहुत अच्छी फिटिंग, तो मैंने इसको बहुत पहना है। अच्छा, ये मेरे पास मुझे किसी ने गिफ्ट किया था दुपट्टा, तो मैंने इसके साथ की ये काली शलवार, ये काली शर्ट सिलवाई थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मम्मी के पास जब मैं गई ना, तो उनके पास इस तरह का एक दुपट्टा रखा हुआ था, तो मैंने इसी दुपट्टे को, उनके इस दुपट्टे को मैंने ऐसे कमीज बना ली। अब ये मैं इसको कभी ब्लैक लहंगे के साथ पहनना होता है, नहीं तो कभी ब्लैक पटियाला पहन सकती, पटियाला शलवार के साथ, तो शॉर्ट शॉर्ट करके
तो एक तो फुल हो गया ना, भरा 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 फुल, ये बिल्कुल एक ड्रेस लग रहा है अब। हाँ, ये पूरा एक ड्रेस हो गया। तो ये इसको तो खैर मैंने इस तरह से यूटिलाइज किया कि थोड़ा सा हैवी मेहंदी वेंदी में पहनने के लिए। दूसरा मैं क्या करती हूँ इसके साथ, ये काली उसके साथ इंटरेस्टिंग है। सुनो, ये जब मेरी नानी का जो वो तख्त होता था ना, जिसमें वो सिलाई विलाई वो रखती थी और बैठती थी, तो उस पे ना ये कपड़ा बिछा हुआ होता था। तो मुझे ना बहुत ज्यादा कलरफुल चीजें इस तरह की ना, ईस्टर्न टाइप की बहुत ज्यादा। तो खैर मैंने उनसे वो ले लिया और उनसे लेके मैंने ना ये जैकेट सिलवा दिया। अब ये जैकेट के साथ क्या होता है, इसके ऊपर जो ये शीशे लगे हुए हैं ये आपने लगवाए? नहीं, कुछ था, तख्त पे डालने वाली चादर थी बहन, और अब पूरा डिजाइन यही तो है भाई, क्रिएटिविटी। एक मिनट ना, अभी इट्स नॉट इनफ। ओह माय गॉड, ये जरा पकड़ना। यस, तो अब मैं क्या करती हूँ वो ब्लैक, ये तुमने बेल्ट कहाँ से ली बहन? ये तो मैंने खरीदी थी पता नहीं कहाँ से, थाईलैंड से खरीदी थी। अब मैं इसको बेल्ट के साथ ना ऐसे करके ये देखिए जरा स्टाइलिश पूरा पहन लेती हूँ। मतलब एक ब्लैक बेचारी कमीज जो है उसका सांस नहीं लेने देती। अच्छा, इसको थोड़ा हैवी करने के लिए ना मैं शरारा टाइप नीचे घेरदार कुछ भी हो वो पहन लेती हूँ, नहीं तो आप इसको टाइट्स या पैंट्स के साथ, प्लाजो के साथ, प्लाजो के साथ पहन ले, स्ट्रेट पैंट्स पहन ले, इस तरह कर लेती हूँ। मतलब मुझे भी ऐसे लगते हैं कि अभी बात खत्म नहीं हुई, बात खत्म नहीं होना चाहिए ये कि वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्री पीस सूट पे वो गलत करते हैं। उनको अलग 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 पीसेस लेके करनी चाहिए, वो एक से ज्यादा दफा इस्तेमाल कर। अच्छा, ये गेस करें कि क्या था ये कपड़ा, क्या था ये, क्या था बताओ क्या था ये? मम्मी की यहाँ ना अपोल्स्ट्री हो रही थी, तो वो कुशन्स का जो कपड़ा होता है ना, तो मैंने ना मुझे ये इस तरह से मैंने इसको ये किया और इसके साथ का कपड़ा, मतलब ये चीजें कपड़ा रहती हूँ ना, चादर आगे लेस लगा ली। अच्छा, इसको भी आप प्लेन चाहें तो प्लेन पहन लें, नहीं तो इस बेल्ट के साथ। ये सीक्वेंस वाली बेल्ट क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने ना सीक्वेंस लगाया हुआ है, ताकि जब छल के वो जैकेट तो वो सीक्वेंस चले, जब तो छलक 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 नजर आए। आप प्रोफेशनल शेफ है ना, नाउ यू आर अ डिजाइनर। या आई कॉल यू अ डिजाइनर फ्रॉम नाउ। प्रोफेशनल शेफ जो है वो क्या करता है, वो फ्यूजन करता है ना खाने में, मिक्स एंड मैच। ये क्रिएटिविटी कपड़ों में भी आ गई है। तो मतलब एक काला जोड़ा तो मस्ट है, इस तरह का एक बना ले, अच्छा शिफॉन का दो तीन सॉलिड कलर, सॉलिड कलर जैसे ये वाला कलर है, गोल्ड कलर हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट व्हाइट, एक व्हाइट तो बेज, ग्रे बेज, जो पर्ल बेज होता है, मतलब ये बहुत एमरल्ड ग्रीन एंड रॉयल ब्लू, ये वो कलर है जिनके साथ फिर आप और पता है ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आप लर्न करते हैं, इधर उधर जाते हैं। मैं तो क्या करती हूँ, मतलब होता है ना जब शुरू शुरू में आपको देखना होता है तो कॉम्बिनेशंस पिंटरेस्ट पे चले जाओ, आप अलग अलग लोगों को देखो, आप ऑब्जर्व करो किसने क्या पहना है। मतलब जो मेरे पास शो पे आता है मैं उसको नीचे से ऊपर तक एक्सरे करती हूं। और कितने सालों से कर रही हूं निदा, जब मैं डिजाइनिंग करती थी ना, मैं जब बहुत थक के घर में बैठती थी तो मैं कार्टून देखती थी, कार्टून में जो अच्छे आपको कॉम्बिनेशन कलर्स कॉम्बिनेशन डिफरेंट कलर्स मिलते हैं आपको, और फिर मैं उनसे खेलती थी बकायदा। जब हमें ड्रामे में अपने डिजाइनिंग पढ़ा रहे थे तो हमें डिजाइनिंग इसी तरह पढ़ा रहे थे कि आप थीम सोचते हैं और उस थीम से पूरी तस्वीरें जमा करते हैं और फिर उससे इंस्पिरेशन लेके डिजाइन करते हैं, तो आपको इतना दिमाग आपका खुल जाता है कि कॉम्बिनेशन वाओ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो तरीकेकार बड़ा अच्छा है जो बेसिक्स है। पहले तो मेरे ख्याल से घिसे पिटे वो कॉन्ट्रास्ट होते थे, जैसे बहुत ब्लू और रेड कॉन्ट्रास्ट चल रहे। मुझे याद है हैदराबादी जोड़े जो चलते थे उसमें कॉन्ट्रास्ट बस एक जैसा होता था ना, वो ग्रीन के साथ पर्पल है तो ब्लू के साथ, मेरा रेड के साथ ब्लू है, मेरा हैदराबादी कॉन्ट्रास्ट पूरा रेड एंड गोल्ड। हाँ, वो आप जितना और लोगों को देखते हैं उतना आप सीखते जाओ, सीखते जाओ। तो अब हम इसीलिए आपको चार लोगों के कपड़े अलग अलग और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अब आप लोग बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नहीं हमने रेड नहीं पहनना, या हमने या रेड आज आपके सामने निदा ने रेड पहना है। अब देखिए रेड को कैरी किस तरह करना है, उसने रेड के साथ गोल्डन आंखें नहीं बना ली और लाल लिपस्टिक नहीं लगा ली, मैट कलर की आईज की है उसने, लिपस्टिक को बिल्कुल डिफरेंट किया है।
तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आप उसको कैरी किस तरह कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर से नीचे तक पूरे रेड है तो फिर तो सॉरी, पूरे रेड है, पूरा काम हुआ हुआ है। मतलब ये भी हैवी कपड़े हैं जो कि मैं इतनी शर्म आ रही थी मुझे पहनने में, बहुत अच्छी हैवी नहीं पहनना चाहती अब, और वो भी लाल रंग। मगर फिर मैंने कहा इसको कैसे वो बिल्कुल डेड स्ट्रेट बाल, ये भी तो हमने बाले भी जो है वो बिल्कुल ये लुक्स वाले हल्के, मैंने कोई झुमके नहीं भर लिए आंखों पे, जैसे कि मैट ब्राउन और स्मोकी में काजल मैं नहीं लगाती लेकिन आज लगाया और आज बहुत अच्छा लगा। क्या आपकी नजर मेरी आंखों पे जाए, अच्छा लग रहा है। और लिपस्टिक बिल्कुल लाइट, क्योंकि मैंने कहा इतना रेड है इतना गोल्ड है तो बस हो गई मेरी पूरी लुक। सो आपको ये सब चीजें बैलेंस करनी पड़ती, पर लग यही रहा है कि मैं बस अभी पर्स उठाऊंगी और शादी में जाऊंगी, रात तक जाना है मैं अभी से तैयार हूँ रात को शादी। कोई मसला नहीं है, आप शो में यहीं से रेडी होंगी, मसला ही नहीं है। आपका ख्याल है कि मैं रात 8 बजे तक यहीं बैठी रहूंगी? नहीं, आप ये मेकअप कैरी कीजिएगा रात तक। अच्छा जी, चले सीजन है आज का शादी। हाँ भाई, मेरे घर में शादी है, बहुत शादी है। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि फायजा ने क्या रीवैम्प करके रखा हुआ। एक तो दिखा दी अपनी अम्मी की साड़ी, और क्या क्या है इसकी वार्डरोब में और बाकी सबकी वार्डरोब में, आइए छोटी सी ब्रेक के बाद जानते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको हर शादी हर इवेंट पे नए कपड़े बनाने की ज़रूरत नहीं, इतना सारा बर्डन मत डालें अपने घर वालों पर। आप अक्लमंदी से अपने उन जोड़ों को जिन पे आपने ख़र्चा किया है, देखें अच्छा एक दफ़ा कपड़ा ले लिया तो उस कपड़े में भुर भी नहीं आएगा, सही है ना। सिंथेटिक लिया हुआ है, बुरा कपड़ा लिया हुआ है, वो धुलेगा ख़राब हो जाएगा। और ये वाले कपड़े ज़्यादा तो शादी वाले कहाँ धुलते हैं, जाने आने वाले कपड़े तो हम ड्राई क्लीन कभी कभार एक दफ़ा करा लेते हैं, वरना तो इतने नहीं धुलते। लेकिन अगर आप अच्छे कपड़े में एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लेंगे तो आप उसको बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं फायजा की तरफ, चलिए। अच्छा जी, मेरे पास तो खैर बहुत कुछ नहीं है क्योंकि मैं रात को बहुत लेट, मेरा पैकअप हुआ था, लेट पहुंची हूँ घर, तो मैं दिखाने लगी हूँ ये ड्रेस। मैंने ये फ्रॉक बनवाई क्रश, अच्छा बड़ा अच्छा है यार, ये एक बनवा लिया, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी पहन सकती हूँ किसी भी पार्टी में, इस तरह से, और उसके पीछे ये बंच है। अच्छा, क्यों, ये खुद ही तुमने बनवाया, कपड़ा लेके बनवाया? मैंने कपड़ा लेके बनवाया और ये क्रश करवाया फिर नीचे वाला जी, जी। कि ऊपर वाला ऐसे ही रखा, कैसे से भी क्रश के साथ जो है लुक कितनी बदल गई, लुक ही बदल गई, रिच। मुझे ये कलर बहुत पसंद आए थे, ये इसके साथ तुमने ये अलग लिया था, ये अलग अलग है, अलग है, बिल्कुल अलग है। और मैंने ना एक ये कोटी बनवा ली थी, इसको मैं किसी और भी पहनती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। जब आपने आप इसको ऐसे भी पहन सकते हैं और इसके साथ भी पहन सकते हैं, ऐसे रखो इसके ऊपर जैकेट के। हाँ, मतलब आपने कहीं किसी दावत में जाना है, अकेले पहन लिया, कोटी डाली तो आप शादी भी हो गया। हाँ, वही ना। अच्छा, कोटी भी ऐसी है कि और किसी जोड़े के साथ भी चली जाए, वेस्टर्न में भी पहन सकते हैं, ब्लैक के साथ जाए, वेस्टर्न। ये है ना, इसके साथ मैं दिखाती हूँ, ये एक कोटी बन गई है ना, अब ये एक ड्रेस है मेरा, अभी बनारसी ड्रेस है। हाँ, बनारसी प्लेन है ये, मतलब के इसमें कोई कढ़ाई वढ़ाई नहीं, लहंगा प्लेन बनारसी सा बनाया है बिल्कुल। अब ये स्लीवलेस है, कहीं स्लीवलेस नहीं पहनना, और जैसे आजकल विंटर चल रही है, ठीक है, तो उसके साथ ये जैकेट, बजाय शॉल पहनने के आपने ये पहन लिया, जैकेट पहन ली ऊपर से। अच्छा, वैसे यूं सोचो तो ग्रीन और रेड ना कितना अच्छा लग रहा है, ये हॉट पिंक है, इट्स नॉट रेड। अच्छा, हॉट पिंक, यस इट्स हॉट पिंक, इट्स हॉट पिंक, रेड लग रहा था, ठीक है, हॉट पिंक। इसके अंदर वाली को देख लिया करे जिसको लगा हुआ है, जितना अच्छा है यार, मतलब। और एक मजे की बात, ये मेरी है भी नहीं तो ये मैंने अपनी कजन से ली है और ले ली हमेशा के लिए। और अब मैं इसको अपने कपड़ों पर स्टाइल करती रहती हूँ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, या कभी किसी और ड्रेस के साथ। मजे का लग रहा है, वेरी गुड। जब उसे स्टाइल करना, उससे कहना तब वो तुमसे मांग लिया। मैं ये सोच रही हूँ ये कोटी ब्लैक पे चलेगी, ये कोटी सारी आपके कपड़ों पे भी चल जाएगी, सारी चीजों पे चलेगी। अब ये है ना सॉलिड चीज, और दिखाऊं या अभी नेक्स्ट पर जा रहे? चलो मैं नेक्स्ट पर जाती हूँ ताकि तुम्हारे पास कुछ तो हो। हरीम के पास, हरीम, अच्छा मेरे पास ब्लू फेवरेट है, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि मेरा भी रात को बहुत लेट पैकअप हुआ था। तो एक तो ये है, ये एक फ्रॉक मेरी अम्मा ने मुझे बनवा के दी है, इसको हम ले सकते हैं किसी शॉल के साथ, दुपट्टे के साथ। वैसे इसके ऊपर एक ये है वेलवेट की कोटी,
इट्स अ कोट और ये बड़ा जबरदस्त है और इसको हम जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, किसी कोट को स्ट्रेट पैंट के साथ भी पहन सकते हैं, इट विल लुक वेरी नाइस। एक वेल्वेट का कोट बना लिया, वेल्वेट का कोट तो बहुत अच्छा, और इस तरह की जो फ्रॉक्स है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इसमें आपके लुक बहुत अच्छी आती है। वो जो कोट है ना वेल्वेट वाला, वो भी सादिया के कपड़ों के साथ जाए और जो है उसके ऊपर हार भी चल सकता है आराम से। तुम्हारा पर हार वो नहीं उतार रही। एक ये है, एक ये मेरा ड्रेस है, ये इसको हम पहन सकते हैं, इसके चोली जो भी है इसके साथ, इसके नीचे अगर हम स्ट्रेट पैंट पहने, स्कर्ट स्ट्रेट पैंट के साथ भी पहन सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर इसका ये है। अब ये देखो, ये एक साथ भी पहन सकते हैं और अगर साथ भी पहन सकते, इसको हम सिर्फ स्ट्रेट पैंट के साथ पहने अंदर चोली के साथ, ये एक न्यू लुक आ जाएगी। मतलब कि अगर शादी है बहुत करीबी लोग, जैसे मेरी कजन की शादी है आज, तो मैंने इतना भारी जोड़ा बनाया है, ठीक है, तो उसके साथ आपने ये पहना, शरारा पहना और चोली भी पहन ली। अब आपने जो है जरा सा थोड़ा चलना फिरना ज्यादा है पैंट, तो आपने इसके साथ पैंट चला, स्ट्रेट पैंट अगर आप कंफर्टेबल नहीं है उसमें तो, और अगर जरा दूर पर है कि शादी है तो बस ये पहन के चली गई। ज्यादा तैयार होने की जरूरत है ना, ज्वेलरी हैवी पहन ली, हैवी ज्वेलरी, अच्छा मेकअप, और इसके साथ कोई शॉल दुपट्टा भी अच्छा लग सकता है सर्दियों में। और क्या, तो एक ही जोड़े को तीन दफा यूटिलाइज करना है तो आप उस पे तीन दफा वाली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, लेस पे काम हुआ हुआ था इसके जैकेट पे, मतलब दिखाना जरा, हैवी जैकेट आ जाती है ना इसके स्लीव्स पर, स्लीव्स पर हुआ हुआ है, सामने भी काम, सामने भी सामने पूरा काम हुआ हुआ है ना। और की बात ये नहीं है, विंटर के स्पेशली ये विंटर का कलर है, सर्दियों में टील है ना, टील ब्लू है ना, तो वैसे ही अच्छा लगता है, कितना प्यारा लग रहा है बहुत। हाँ मतलब आपने कपड़ा खरीदा और आपने उसी के ऊपर जो है इसी को एनहांस करने के लिए कर दी। हाँ। इसके साथ स्मोकी मेकअप बहुत अच्छा, पूरी लुक आ जाती है ना, मेकअप का क्या कौन रहा है जो मेकअप सारी जिंदगी ऐसा वाला कर रही हूं, लेकिन आप शौक पूरे करती नहीं, लेकिन इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है माशाल्लाह। आपने जो देखा, जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, जैसे मैं जब डिजाइनिंग कर रही होती हूं तो मैं पूरा उसके पिक्चर करते हो ना, एक पूरा दिमाग में पूरी स्टाइलिंग घूम जाती है, जूते इसके साथ ये चलेंगे, वो ये होगा और ज्वेलरी ये चलेगी, मेकअप ये, और जब वो जोड़ा बन के आता है ना तो वो और आपकी मनपसंद आ जाए, जैसे आपने सोचा एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है मेरे अंदर, जो मेरा कथक डांस करके हो या कुछ मीठा उसके डाइटिंग के बाद मीठा खा के होता था, अच्छा है ना वो वाला फील होता है। एंड आई थिंक स्पेशली वुमेन्स में ये चीज है कि वो जब किसी चीज कलर स्पेशली कपड़ों को देखती है तो वो पूरा मेकअप ज्वेलरी होता है, जूते तक इसके साथ, अच्छा ये शूज जाएंगे, जब आपका मास्टर साहब ने खराब कर दिया जोड़ा, फिर तो ना डिप्रेशन होता है मज़ा। हम उसकी भी, उसके भी बड़ी चीज़ें निकालते थे, यकीन मानो, जो मैं तो ब्राइडल पे काम करती थी तो मुझे मेरे बड़ा हमेशा से होता था, मैं पता है ज्वेलरी मेकअप चीज़ें, तो जब मेरे पास ब्राइडल का ऑर्डर आता था ना तो वो लड़कियाँ मुझसे अक्सर, साध्या जी इसकी ज्वेलरी भी आप करके दीजिएगा, आप ना बता दीजिएगा कि किस तरह का सेट हो, कौन चोकर, मैं कहती मुझे अपनी पूरी तस्वीर भेजो, मुझे गर्दन देख रही कितनी लंबी है, मुझे उस हिसाब से तुम्हारा नेक रखना है, तुम्हारी गर्दन छोटी तो नहीं है, बाल ऐसे बनाना है, इतना जुड़ा होना चाहिए, इतनी हाइट होनी, वो इतनी डिटेल उसको बता के भेजती थी, क्यों कहती थी वो पूरा जोड़ा भेजा, और मैं कहती हूँ तस्वीर भेजना बेटा तैयार हो, जब सबसे पहले मुझे भेजना। ये एक होता है जो डिज़ाइन कर रहा होता है उसको इंटरेस्ट होता है कि मेरा बच्चा किस तरह, किसी ने उसको कैरी किया, भाई वो बेबी है आपका, और क्या क्या हो सकता है, दिखाओ अपनी जैकेट, इसका जैकेट एक मेरे जंपसूट के साथ इतने मजे में देखा जाएगा। भाई मैं आपको बताऊं, मेरी अम्मी ने अपनी वलीमे की साड़ी, अपनी शादी का गरारा होता है ना, लोग रख देते हैं संभाल के मामले के कपड़ों में, मेरी अम्मी ने इतना अच्छा यूटिलाइज किया। पहले जो हम दो बहनें थे, उस गरारे के दो पांचों को हमारी अंग रखा फ्रॉक बना दी, तंग पजामे के साथ हम दोनों बड़ी बहनों ने पहनी, फिर छोटी बहन ने कहा मैं पीछे क्यों रहूं, तो वो छोटी सी थी, अब जब हमने पहन लिया एक शादी में फुल इंजॉय कर लिया, तो अम्मी ने उसी अंगरखे की घाघरा चोली चोली बना दी, मतलब उस शादी के जोड़े को अम्मी ने निचोड़ दिया, हमारी चार औरतों ने वो जोड़ा पहना, एक मेरी माँ, दो बेटियां अंगरखा और एक बेटी चोली। सही है, वरना शादी के जोड़े वलीमे की साड़ी का भी उन्होंने ऐसे किया, वलीमे की साड़ी थी वो तो घाघरा था ना, वो तो गरारा था ना, वलीमे की साड़ी थी उसका मेरा और मेरी बहन का शरारा,
शरारा बना हुआ, दुपट्टा बना हुआ, और वो डांस करते हुए मैं गिर भी गई। मेरे पास वीडियो भी है बचपन की कि मैं यूं करके गिर गई थी। सही, तो अब दिखाऊं जनाब। हाँ, मैं साड़ियाँ पहनती हूँ, आप सबको पता है साड़ियाँ बहुत पहनती हूँ। ये रही एक ब्लैक साड़ी, तो इसलिए ये दिखाने की इतनी जरूरत नहीं है। नहीं, हाँ, है ब्लैक इज माय फेवरेट। अच्छा, नहीं नॉर्मल ब्लैक साड़ी। अब ब्लैक साड़ी को भी देखिए, आप ब्लैक साड़ी को आप ब्लाउज के साथ पहनेंगी और मैं आपको ये कोट गिफ्ट कर दूँ। ये रहा इसका ब्लाउज, कोट है, ठीक है। ये रहा इसका ब्लाउज। तो मैं नॉर्मली, अब ये जो ब्लाउज है ये इसके साथ फिर ये बन गया शरारा। तो ये है जनाब। अच्छा, इसके साथ ये मैं कैसे, इसके साथ दुपट्टा ओढ़ती हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें शॉपिंग पे है दुपट्टा। ये रहा दुपट्टा। अब वो दुपट्टा भी रहेगा नहीं जाएगा कि एक जोड़े के साथ। हाँ, उसको तुम रखो पूरे रूप में बताऊं। अब ये देखें जरा, ये दुपट्टा भी आ गया। आपने हर चीज ब्लैक करनी है। हाँ हाँ, आई हैड अ क्वेश्चन व्हाई ये पिंक है। मुझे फील हुआ था कि वो गोल्डन है, ये पिंक क्यों है। ये दुपट्टा बहुत सारी, अब अगर मैं ये पहनूंगी ना जोड़ा, तो मैं इसको प्लेन रखूंगी। हाँ, मैं जब दुपट्टा ये पहनूंगी क्योंकि सारी मेरा मसला तो ये था ना कि ये तो मेरा मैं उल्टा पहन लूं। नहीं, उल्टा पहन नहीं सकते कट के साथ से। मेरे पास तो बना हुआ ब्लाउज है ना साड़ी का, तो मैं उसको यूटिलाइज करूं ना कि मैं प्लेन की तरफ जाऊं। बेहतर ये कि मैं दुपट्टा यूं खोल लेती हूं, ऐसे जैसे नॉर्मल दुपट्टा ओढ़ते ना, बिना पैर के आपका काम छूट जाता है। सिर्फ आइडिया अच्छा है, आप स्ट्रेट बिल्कुल स्लीक वाला जूड़ा बांधे और मजे से आप इयररिंग्स पहने तो वो जबरदस्त हो जाता है। मतलब मुझे तो शरारा आउट क्लास का बहुत प्यारा है। ये वो वाला काम और कलर है कि ये आप हर जोड़े के साथ मिक्स से मैच कर लो क्योंकि इसका दुपट्टा दिखने वाला है। ये दुपट्टा मेरा प्यारा है ना। हाँ, ये दुपट्टा फिर मैं तब जो लेती हूँ तो वो इस तरह ऐसे और ऐसे। और शादी वाले उल्टा क्यों ले लिया, सीधा लेना। चलो, घोड़े सीधे हो गए, घोड़े उल्टे हो गए, घोड़े उल्टे हो गए, दूल्हा उल्टे हो गए, हाथी। ये भी इंडियन स्टाइल का लग रहा है ना। हाँ, बड़ा जबरदस्त, बहुत प्यारा है ये, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, ये पता नहीं इसकी बैक ये भी चोरा था कहीं से मैंने ये कपड़ा, मुझे याद अच्छी तरह, किसी ना किसी से चोरी किया था, मतलब चोरी से मुराद है मांग के लिया था। इसकी बैक साइड पे ना हमेशा देखिए लगाया करें। ब्यूटीफुल ये होता है कि आप जब भी कोई कपड़ा ले उसके पीछे जरूर अपना चाहते ना कपड़ा मजबूत हो तो जरूर पीछे अप्लाई करवाएं, पीछे जरूर एक रॉ सिल्क लेके आप लगा दें। उससे क्या होगा कि आपका ये जो कपड़ा टिश्यू ये मजबूत भी हो जाएगा और हैवीनेस भी, और पीछे से वो टांके वांके नजर आते हैं, इतना गंदा लगता है। आप इतना महंगा जोड़ा बेच रहे हैं या वो, और उसके पीछे पूरे टांके वांके नजर आ रहे हैं तो बुरा लगता है। ये आपने जिसके ऊपर घोड़े और हाथी बने हुए ये एप्लिक हुए थे? नहीं नहीं, ये कपड़ा ही ऐसा कपड़ा ही कबार आपके खान आए हुए होते हैं जिसपे ये आपको बड़े बड़े दुपट्टे मिल रहे हो जाते, तो आप ले और उसके ऊपर उसकी आउटलाइन इस तरह का मेरे पास है कि जिसमें आउटलाइन ऑफ वाइट पे ग्रीन हाथी बने हुए, इतना खूबसूरत। वो मेरी साड़ी का आंचल था उसको लेके, अब मैंने जब साड़ी खराब हुई ना, मतलब मसक जाती है या कुछ हो जाता है, उस आंचल को कटवा के मैंने उसका ब्लाउज बनवाया भी। अच्छा, और मैंने अब उसको ब्लैक इस शरारे के साथ पहनना है। उस पे पूरे हाथी बने हुए ब्लैक, ब्लैक में ग्रीन वो भी लेकर आना था ना, वो सिला नहीं था। मैंने भी ये कहा था शादी वाजी वैसे उठा के लिया, मैं कहा बेस वक्त किसकी दुकान को के मुझे वो दे दो। तो ये हो गया जनाब, आपको अब एक और दिखाऊं। अच्छा चलो, एक और दिखा देते हैं। तो सारे ये तो एक दूसरे के कपड़ों से भी मजा आ रहा है, बड़े आइडियाज मिल रहे हैं। एक्चुअली ये था इस जोड़े का दुपट्टा जो मैं आपको दिखाना चाहती, असल में इस जोड़े का दुपट्टा था। और ये दुपट्टा मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, अगेन मैं प्लेन ही कपड़े यूज करती हूँ। ये वो उन दिनों के बात है जब मैं मीरब के बाद मोटी हुआ करती थी, तो मैंने इसको बिल्कुल जोड़े को ठीक करवाने की कोशिश नहीं की, लेकिन दुपट्टा मैंने बहुत यूज किया हर हर चीज का। ये दुपट्टा मैंने ब्लैक शरारे के साथ भी बहुत यूज किया। हाँ, मेरा हर ब्लाउज जो है ना तो वो इस शरारे के साथ जाता है। नहीं तो ये भी जाएगा, यही तो मैं कह रही हूँ, इस ब्लाउज के साथ भी जाता है। मेरे इतने ब्लाउजेस हैं जो इस शरारे के साथ, हर ब्लाउज ब्लैक है ना, ब्लैक के साथ कोई भी कलर अच्छा लगेगा। शरारा जो है ना वो महंगा बनता है, उसकी स्टिचिंग भी एक्सपेंसिव होती है, कपड़ा भी ज्यादा। ऐसे शरारे हो को आप उसको बार बार अलग अलग शादियों में अलग अलग इवेंट्स पे यूटिलाइज कर सको ना, और ना कोई पहचान नहीं पाता। अब जैसे मेरा वो व्हाइट नेट वाला, अगर तुम्हें याद हो उसमें मैंने ढेर सारी लेसेस लगाई है, अब वो ना बहुत दफा देख लिया लोगों ने पहचान लेते,
इसको नहीं कोई पहचान पाता, अरे सादे जी नया बना। मैं कहा बेटा यही तो क्रिएटिविटी है कि अपनी वार्डरोब में से मिक्स एंड मैच करके अब पहना। दिखा तुम्हारा वो जो रेड वाला है वो लेकर आओ जरा, वो देखो ये तुम्हारी हॉट चाहिए हो, तो अब जब तुम्हें चाहिए हो तो तुम ये ले ले। ये देखें अच्छा लग रहा है। वाह यार, अब इसके अंदर खाली कैमिसोल जाती है जो आप जींस जींस के ऊपर पहनते हैं वो चढ़ाए ऊपर करें, वो चढ़ाए कोटी पहने और की बेस्ट बन गया। दुपट्टा पहनना चाहे दुपट्टा डालें और आज दे रही हो तो मुझे सो ये बड़ा एक मजे की चीज है। तो आप किफायतशारी से जिंदगी गुजार सकते हैं। हमारी अम्माओं को ये चीजें नहीं पता थी, वो सिलाई करती थी पुरानी चीजों को नई करती थी। आज अम्माओं की बेटियों को ये चीजें पता है कि मैं किसके साथ क्या मिक्स एंड मैच कर लूं। और इसका क्रेडिट हम बहुत अपने सोशल मीडिया को भी देते हैं, उस पर भी बड़ा सिखाते हैं लोग, स्टाइलिंग करना सिखाते हैं। स्टाइलिंग का क्या है जमाने में, तुम्हारी अम्मी के या मेरी अम्मी के जमाने में तो कोई नाम ही नहीं था स्टाइलिंग का, वो वही किफायतशारी करती थी। अच्छा जी मैं साड़ी का शरारा बना दूं बच्चों का, मैं साड़ी की शलवार कमीज बना दूं, कोई कपड़ा जल गया या शलवार कमीज की कढ़ाई जो इतनी एक्सपेंसिव हुई भी है वो उतार के कहीं और अप्लाई करा दूं। क्या करती है, मेरे जो डिस्कार्ड किए हुए होते हैं ना या बहुत ढीले पहले के सिले हुए थे, मम्मी कोई बात नहीं बस आप कर लें कुछ भी करना है पहनना है, तो वो काट कूट के ना उनकी कलियां तक, उनको उनका कपड़ा कम पड़ता है तो किसी और जोड़े से लगा के मैचिंग ढूंढ के वो सी लेती हैं, खुद करती है सारे ये काम। गला है तो गला काट के खुद ही सी के फिर साइड पे कुछ बेल लगा के डिजाइनिंग कर, कहती किरण पहचानो ये वो तुम्हारा वाला जोड़ा है। मैंने कहा अम्मी इतना प्यारा लग रहा है दुपट्टा, ये बहुत अच्छे से वो करती है वो। और मेरी अम्मा जो है ना अपने जून के जो कपड़े वो डिस्कार्ड कर देती है वो मुझे देती है, साइड में एप्लिक नहीं होती लगी हुई होती उसके लिए, प्लेन के लिए स्पेशली आपको कोई ऐसा कपड़ा चाहिए उस पर काम हुआ वो सीक्वेंस वाला हो, वो ये कहती है कि ये कर लो। मम्मी के पास तो थैले भर भर के इतने बड़े बड़े ना गठरियां कि इसमें वो सारी कतरने और पता नहीं क्या क्या पुरानी लेकर आता है ना। मेरे घर में भी अभी तक इतने थैले, वो पूछती मुझसे जवेरिया बाजी ये थैले नहीं 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 इनको नहीं उठाना इनको नहीं, क्योंकि जब समीना को कपड़े दे रही थे ना फिर निकालती हूँ, भाभी ये देखो ये भी मेरे पास पीस पड़ा है, ये कहती क्या क्या संभाल के रखा हुआ इतना कपड़ा मेरे पास। अभी मीरब के कपड़े मैंने बनवाए मेरी नन की बेटी की शादी, यकीन मानो पूरे पूरे काम के कपड़े मैंने उसे निकाल के दिए और वो कट के अप्लाई हुए नए जोड़ों के ऊपर। मैं कहा भाभी सब रखा हुआ है मेरे पास, क्योंकि अगर होता ना अब मेरा कुछ जोड़ा है बहुत मैंने पहन लिया अभी से ये काम वाला, फिर मैं उसका काम जाया नहीं होने देती, फिर वो कटवा के पूरा अप्लाई। कभी अल्लाह ना करे ना खुदा ना खास्ता आप इस्त्री करते कुछ कहीं से जल जाता है तो आपका पूरा जोड़ा बर्बाद नहीं होता, आप उसको अप्लाई करके कहीं और समझदारी है ना, ये समझदारी अगर है तो ठीक है, वरना आप ये कहेंगे यार मासी तुम ये ले लो और मासी उसको ऐसा अच्छा बना के पहनेगी क्योंकि जरूरत है आपके सामने पहनेगी फिर आप और आप जलेंगे। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आप एक इवेंट को लेकर इतना फिक्रमंद ना हो और उस पर इतना खर्चा ना करें, बल्कि एक इवेंट पे आप वो खर्चा करें जो आपको तीन इवेंट्स पे करना है, बिल्कुल ठीक है ना। और आप मिक्स एंड मैच में ये नहीं कह रही कि शादी वलीमा और मेहंदी का एक ही जोड़ा बना दें, फौरन ना पहने, लेकिन अब जाहिर है शादियों का सीज़न है और वही रिश्तेदार आपको अगली शादी में भी मिलेंगे, लेकिन उनको कानो कान खबर नहीं होगी या आपकी इंस्टा स्टोरी से पता नहीं चलेगा कि ये वही जोड़ा है। कलर कॉम्बिनेशन सब चीज़ों को आप तब्दील करके बना सकते हैं अगर आप अक्लमंदी से शॉपिंग करते हैं। कोई चीज़ होती है इंसान को अच्छी लग जाती है कि वाह यार ये बना लेते हैं, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी इसी में है कि आप उसको अपने चादर में रहकर कैसे ये माशाल्लाह से देखे ना क्रिएटिविटी। अब ये हर सेकंड में चेंज कर रही हैं लोग, आप भी देख ले मतलब लोग शादियों की बात कर रहे हैं और आप अपनी बहनों की ज्वेलरी भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने किरण से ज्वेलरी बोरो करी और अपने दुपट्टा और अपने सूट के साथ किया। मतलब आप सादिया को हर सेगमेंट में एक नई सादिया दे रही हैं, ये मैं और आलिया करते हैं क्योंकि हमारी ज्वेलरी एक्सचेंज होती रहती है, मेरी जो तो पूरे खानदान में एक्सचेंज होती है, लेकिन ये जरूरी है। मैंने किरण ने स्टाइलिश आप लग सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लें, थोड़ा अपने आप को ग्रूम करें, इंसान वक्त के साथ साथ ग्रूम होता है, लेकिन वो ध्यान तो लगाए। अब फॉर एग्जाम्पल
मेरी तीन बहनें उन तीनों के मुकाबले में पहनने ओढ़ने का सेंस मुझे उनसे ज्यादा है, तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ. आहिस्ता आहिस्ता वो सीखती हैं, समझती हैं. जब वो कहती छोड़ो यार क्या कपड़ों पे ध्यान देना, छोड़ो. जब इंसान के दिल में ये होता है ना, जब वो कहता है छोड़ो, तो फिर वो कुछ नहीं सीख सकती. वो खुद चाहता भी नहीं है. चेंज जब आएगा, जब आप खुद चाहेंगे कि अच्छा यार तुम आइडिया दो. जैसे मुझे शौक है तो मैं सादिया से 10,000 मशवरे लूंगी. सादिया यार बताओ क्या करूं उसके साथ, कैसा मेकअप करूं. किरण यार तुम बताओ, तुम बताओ फायदा, तुम बताओ हरीम. तो अंदर से आता है. चार लोगों से मशवरे लेने के बाद आपको एक चीज दिल को लगेगी कि यार ये अच्छा इससे मशवरा. ये है तो. लेकिन शौक होना लाजमी है और खुद की विलिंग जो है ना वो होनी लाजमी. शौक पैसे बचाना एक शरारा है और इसके साथ की ये चोली है और इसके साथ ना ये सिंपल सा बेज सा गोल्ड का दुपट्टा है. ठीक है ना, पूरा सूट है. ये एक्चुअली कजन का था तो फिर मैंने ले लिया. तो उसकी शादी वादी होगी, होता है ना जैसे कजन की शादी होती है, बटते हैं कपड़े, बटते हैं. हाँ चलो ले दो दे दो. मैंने कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ना, वो कपड़े छोड़ के चले जाती है. हाँ ले लेते हैं हम लोग तो बाकायदा, जैसे कि कजन का है. मैं तो लिटरली कपड़े बटे थे, सादा जी ये वाला मुझे चाहिए, वो वाला मुझे चाहिए. तो मैंने इसके चक्कर में खैर ये जोड़ा ले लिया था. तो फिर मैंने क्या शरारे के चक्कर में जोड़ा लिया. इसके साथ मैं ये भाई अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा मल्टी कलर कर, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा इसके साथ. ये आ जाए, इसने जीन्स के साथ भी इस्तेमाल किया हुआ ये कोट. हाँ ये आपकी शो पे हमने बनाया था, याद है जी. ये इसके साथ आ गया, ये ऊपर चोली आ गई और इसके साथ अब ये दुपट्टा आएगा. मतलब आप सिर्फ जहाँ आपकी सोच शुरू होती है वहाँ इसकी सोच खत्म. ऑल द कलर्स इन वन शेप. यस, तो ये बिल्कुल मल्टी कलर्ड भी हो गया. मतलब आप मेहंदी वेंदी में तो बहुत अच्छा मेहंदी जोड़ा बन गया. देखा ना, और आपके कुंदन का कुछ सेट हो, चोकर हो, इयररिंग्स हो, ये देखिए आप किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि ये जोड़ा अलग जोड़ा था. नहीं बिल्कुल नहीं होगा. ये कोट अलग ब्लैक के साथ इसने बनाया था, किसी को पता नहीं चलने वाला. और वो कॉन्ट्रास्ट में ऐसा आप खेले ऑरेंज का टच भी आ रहा है. ये दुपट्टे के ऊपर जो ऑरेंज बनी है, आई थिंक बूटियां और समथिंग, वो बड़ा मजे का इसके साथ मैच हो रहा है. मजे का. अच्छा एक और मैं आपकी जिंदगी आसान करती हूँ. ये वाली बात हकीकत है कि हर किसी को ये सेंस नहीं होता, मगर आपको ये पता है कि आपके खानदान में वो वाली भाभी या वो वाली भतीजी है जिसको इस चीज का सेंस है, उसको बुलाओ घर. उसको क्या बुलाओ, अच्छा सा खाना, चलो मेरी वार्डरोब में. अब मुझे बताओ भैया मैं कैसे जोड़ तोड़ करूँ. वैसे बाकी दूसरे का दमाग ज्यादा चलता है किसी और के कपड़ों. तो आपको ये पता होगा आपके खानदान में कोई एक ऐसा है जिसको किरण या सादिया जैसा सेंस है या आपके जैसा सेंस है, आप उसे अच्छे से खाना खिला दे, चाय पिला दे, सस्ते में छूट जाए. अच्छा जी एक और दिखाती हूँ. अभी तो मैं इसको खोले हसीने दे के जाना. और ये ना ये जो मैंने जोड़ा पहना हुआ है ना ये इसके साथ और ये ऐसे लेंगे ना हम. आई लव दुपट्टा यार, आई लव दैट, क्योंकि बड़ा है. ओ माय गॉड, ये मुझे ऐसा लग रहा कामदानी का काम हुआ है. हाँ ये कामदानी गोटा ये सब है. ठीक है, आई लव कामदानी. और अब मैं ये नेकलेस नहीं, लेकिन मैं कुंदन का कोई चोकर कोई चोकर पहन के साथ, नहीं तो मैं हैवी इयररिंग्स पहन. मैं भी ये दुपट्टा भी थोड़ी देर बाद अगले जब ब्रेक से वापस आएंगे ये दुपट्टा मैंने ओढ़ा हुआ होगा. ये मतलब इतना कंप्लीट दुपट्टा है, बहुत प्यारा दुपट्टा है ये, कि किसी और चीज की आपको जरूरत ही नहीं. वो आप कितने जोड़ों के साथ आप पहन सकते हैं ना इसका. अच्छा एक जोड़ा मेरे पास पीच बनाए, पीच पे कितना उठेगा ये कलर. ये भी रिसेंटली मैंने खैर पहना था. ये इसका गरारा है, इसकी फिटिंग मुझे इतनी कोई पसंद आई थी. और इसके साथ ना ये प्लेन है दुपट्टा. ठीक है, इसके साथ प्लेन ही अच्छा लगेगा. हाँ ना, और क्या, इसपे काम हुआ हुआ है. नहीं अब आप देखिए इसके करना है, हैवी आप कर सकते हैं. अच्छा मैंने भाई अगर आपको किसी दोस्त की शादी में जाओ. नहीं मैं आपको बताऊं मैंने हैवी किस तरह से किया था इसको. मैंने ना एक तरफ मेरे पास वो काली जरी की शॉल थी, तो वो मैंने ना साइड पर उसको ऐसे डाला. तो मैं दो चीजें की, और मैंने वेलवेट का वो पर्स जो वो बटुआ होता है ना काम वाला वो लिया था, तो वो बिल्कुल ही लुक चेंज हो गई थी. अब इसको सिंपल, अब आप इसको इस दुपट्टे के साथ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, वरना जो आपने पहना हुआ है ना वो ज्यादा जा रहा है. ये देखिए आई थिंक ये इसका कलर जो है वो भी जाएगा. अब आप दुपट्टे में खेल सकते हैं. ये जोड़ा सादिया इमाम का हुआ. सादिया इमाम शो करने आई, कलेक्शन करने आई है. कलेक्शन नहीं निदा, दुपट्टा नहीं दूंगी, जोड़ा सादिया इमाम का हुआ. अच्छा एक और दिखाऊं? हां एक और दिखाओ. बस बहुत है भाई, नहीं बहुत दिखा दो, ये भी रख देते हैं. अच्छा ये जो है ना ये मेरा ये जंप सूट है एक्चुअली. ये
नीले से रंग का, ठीक है ना, दिखा देती हूँ ना खोल के, इस तरह का जंप सूट है ये। अब इसके साथ मैंने ये जारा से पहले लेकर आई थी जैकेट, तो अब पहले की बात करिए, अभी की नहीं, अभी की नहीं, हाँ। हाँ। अब ट्रोल किया इसको। ओ अच्छा, क्यों, क्या था? अच्छा आगे बढ़े। अच्छा खैर, ये इसको मैंने इस तरह से पहना है जंप सूट को कवर करके ना जैकेट के साथ। फिर क्या मैंने किया, मैंने ये किया कि वो किधर गया, क्या ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये गिनी का ना स्कार्फ था। ओहो अच्छा, तो स्कार्फ को मैंने क्या किया, बलेरो होते हैं, बलेरो कहते क्या कहते हैं, तो इस तरीके से ना अब मैं इसको गर्मियों में भी आराम से पकड़ लूं, हाँ ये पकड़ना, पहन लेती हूँ, और ये ऐसे ना नॉट बन जाता है, ये इसके साथ ऐसे आप नॉट बांध देंगे। तो मतलब ये क्या लड़की है, ये क्या लड़की है, कुछ स्कार्फ से जो आप पहन ही नहीं पाते। हाँ मतलब सिल्क बहुत कॉमन होते हैं ना, अब मैंने इसको बलेरो बना दिया तो वो एक स्टाइलिश सा बन गया जंप सूट सा। अब ये नॉट लुक तो बहुत क्यूट लगता है। अब इसको ना, अब ये जो आपका जैकेट है ना ग्रीन वाला, देखो ये इसके साथ जाएगा, अगर मैं बलेरो भी दौड़ेगा, दौड़ेगा भाई, दिखाओ। और ये जैकेट पहन के इवेंट वेयर हो गया ये। यस देखें, अब एक जंप सूट को कैसे हम शादी वादी टाइप साथ में, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये देखें, मतलब ये मॉडर्न लुक भी हो गया कि आप इस तरह के कपड़े पहन के ना आप बड़े यंग लगते हैं। आजकल जरारी जरारी का मूड नहीं है आपका, आप ये कपड़े पहने बड़े यंग लगते हैं आजकल ना, वो जो डायमंडीज वाले वो नेकलेस और नेक पीसेस चल रहे हैं ना उसके साथ, सिर्फ एक वो हो एंड दिस नथिंग एल्स, ग्रेट हो गया। सो अब आप देखें कि आपकी अलमारी में इतनी चीजें होती हैं और वो दो छत्ती पे पड़ी होती है कि शादी ब्याह के कपड़े तो नहीं रखते ना, मगर अब एक के बाद एक शादी, दिन में रात में, मुझे तो लगता है अगर दिन रात की शादी है ना आप यही कर सकते हैं, गाड़ी में रखी चीज बस चलो ऊपर कपड़े की में ताकि अलग लगू, तो वो आप आज चाहें आप तो बहुत सारे आइडियाज हमारे पास से कैच कर सकते हैं। अच्छा यही टांग देती हूं, ब्रेक पे टांग दे, अल्लाह ओके। अच्छा जी हां, ये बहुत हो गया। अच्छा जी मैं दिखाने लगी हूँ, ये एक ड्रेस ये मैंने बनवाया था इसके साथ, इसको क्या प्लाजो पहन कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइक हरारा। और अगर कभी मेरा मूड हो मैं ये ना पहनूं तो फिर मेरे पास इसके साथ ये पैंट है, पैंट्स के साथ, तो ये पैंट्स के साथ पहन लेते हैं। हाँ ये भी सही। अब ये भी वो ये वाली पैंट्स ऐसी हैं, बहुत सारे कपड़ों के साथ। और ये तो इसका अलग ही बिल्कुल एलिगेंट लुक आता है पहनकर, ये हो गया। अच्छा और दिखाऊं, मेरे पास अब एक ही ड्रेस बचा है इसके। हाँ तो दिखा दो, दिखा देते हैं, हमारे पास हमारे पास शो भी ज्यादा नहीं बचा। मैंने ये बनवाया था लहंगा, वाओ कितना प्यारा है, कलर कितना अच्छा है, इसका शर्ट का कट कितना मजे का है। एक और चीज मेरे पास इसकी जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, सिगरेट पैंट्स, सिगरेट पैंट्स भी हैं, मैं उसके साथ भी इसको पहन लेती हूँ, वो अभी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, मैं लंबी तड़ूंगी, तुम छोटी कमीज पहन लेती हो आराम से। हाँ मैं पहन लेती हूँ। अच्छा और मैं हील्स भी पहन लेती हूँ। पता नहीं तक बात क्या है, सारी बात है कैरी करने की। यस डजंट मैटर हाउ हाई, मतलब हाउ टॉल यू आर, मैंने बहुत छोटी कमीजें पहनना छोड़ दी, मुझे बहुत उचंगी मैं लगने लगी। अच्छा पता नहीं क्यों, लेकिन पतले हो और आप थोड़े हैवी ना हो तो फिर अच्छे लगते हैं। हैवी नहीं होते ना जब, तो आप पे बहुत अच्छी लगती है छोटी कमीज, छोटी शर्ट, लेकिन अगर थोड़ा सा आपकी पियर शेप बॉडी होती है तो फिर उस पे थोड़ी छोटी कमीज, लंबी कमीजें आपको खास तौर पे वो लोग, वो जो नाज़रीन देख रहे हैं ज्यादातर पाकिस्तानी खवातीन की पेयर शेप बॉडी पेयर की तरह करती है, तो लंबी कमीजें उन पे इसलिए अच्छी लगती हैं कि वो लंबाई जो है वो आपकी इस ऐप को छुपा देती है। तो मुझे इसलिए मैं अपने कपड़े भी सारे जो है ना वो लंबी लंबे बनवा रही हूँ, क्योंकि ये अच्छे भी रहते हैं हमारे। देखो ऐसा नहीं है कि जीरो साइज की खवातीन नहीं, लॉन्ग शर्ट का फैशन कभी नहीं जाता, नहीं जाता फैशन कभी नहीं जाता, नहीं होता। आप छोटी कमीज हो या नी लेंथ हो, या इसका मसला है कि ये कुछ दिन रहेगा फिर कुछ दिन बाद चला जाएगा। आपकी लॉन्ग लेंथ कभी फैशन नहीं जाती। मुझे सलवार के साथ लंबी कमीज नहीं अच्छी, वो तो अच्छी लगती है उसके साथ, इतनी शॉर्ट कुर्ती अच्छी लगती है, 38 इंच तक की हो, लॉन्ग शर्ट के साथ अगर आप चूड़ीदार पजामा पहन ले वो भी सूट करेगा, गरारा भी अच्छा लगेगा, प्लाजो पैंट अच्छी लगेगी, और क्या हर चीज अच्छी लगेगा, लेकिन छोटी शर्ट के साथ सिर्फ सलवार।
पटियाला हो या खड़ी सलवार, खड़ी सलवार या आजकल तो चौड़े पैंचे वाली चल रही है, आजकल वो दोबारा से इन हो, वो कलियों वाली ना, ट्यूलिप सलवार, ट्यूलिप सलवार खड़ी सलवार को भी कहते हैं आप, बेसिकली थोड़ा सा लाइक उसपे थोड़ी घेर होता है लेकिन एक यू स्लीक और थोड़ा कट भी होता है, अलग अलग तुम बताओ मेरी कपड़े है तुम्हारे अच्छा। सीट पे गिर ना जाए चाहे अच्छा एक और ये है मेरे पास, इट्स अ गरारा, ये बहुत अच्छा है, कितना अच्छा लग रहा है, लहंगा है, दो पांच शरारा है बेटा, शरारा नहीं नहीं दो पांच शरारा है, लहंगा व्हाटएवर जो भी, ये मॉडर्न मॉडर्न आप इसको कहते हैं, ये इसको हम मॉडर्न, ये दो पांचों का लहंगा कह दो, इसको मॉडर्न भी वेयर कर सकते हैं क्योंकि नेट का इतना अच्छा है, इसके साथ कोई व्हाइट टॉप पहन सकते हैं, अगर आपको जैसे स्कूल की कॉलेज की फेयरवेल पार्टी है उसमें भी पहन सकते हैं, क्योंकि मैंने ये वहीं पहना था, ये कॉलर शर्ट होती है ना व्हाइट उसके साथ भी बहुत, और इसके साथ ये शर्ट है बेसिकली बैक है बेटा, अच्छा ये फ्रंट है, ये इसकी ये इसकी शर्ट है, इसको आप स्ट्रेट पैंट के साथ भी पहन सकते हैं अगर आपको थोड़े मॉडर्न लुक करनी है, क्योंकि मैंने इसको स्ट्रेट पैंट के साथ पहना था तो उसके साथ ये मुझे ज्यादा अच्छी लगी, बेल बॉटम्स के साथ बहुत अच्छी, बेल बॉटम आल्सो, बेल बॉटम बहुत अच्छी, या अगर आपको हैवी लुक नहीं चाहिए तो आप पहन सकते हैं इसको उसके साथ, और बच्चियों को ना शादी पे इसी टाइप के कपड़े चाहिए, अच्छा तो जो इजी टू कैरी है, मतलब के चलने फिरने में और ये तो इतना अच्छा किसी बर्थडे पे भी आप पहन सकते हैं टॉप के साथ, मैं कह रही हूँ ना, मैं सिर्फ ये इमेजिन कर रही हूँ कि कॉलर वाली जो व्हाइट शर्ट है उसके साथ क्या जबरदस्त की चीज लगी, इवन टी शर्ट के साथ चला जाए, और ये कलर इतना अच्छा है, टी शर्ट पे नॉट बना लें, वेरी मॉडर्न, और प्लेन व्हाइट टी शर्ट और यहाँ नॉट बना, मुझे तो ये व्हाइट के साथ ही बहुत अच्छा लगा, मैंने व्हाइट के साथ पहना था, और इसके साथ इसका ये दुपट्टा, दुपट्टा भी है, दुपट्टा भी है, दुपट्टा भी है इसके साथ, दुपट्टा कितना प्यारा है इसका, क्यूट सा, छोटे छोटे से सेल्फ पे ही सारे वो नेट का दुपट्टा है, पैंट्स भी साथ ही है ना, उसने कहा ना पैंट्स के साथ भी पहन सकते हैं इसको, और ये ब्लू, अच्छा ब्लू तो दिखा दिया था ना इसमें, नहीं ना पर्पल, ये है पर्पल, ये है मेरी अम्मा का ड्रेस था, अच्छा अच्छा, जिसको उन्होंने थोड़ा बहुत ऑल्टर करके, क्योंकि आजकल फैशन है लूज फिट कपड़ों का, एग्जैक्टली, तो उन्होंने थोड़ा बहुत ऑल्टर करके इसको मुझे दे दिया, अंदर क्या इसकी शलवार है, क्या है, अच्छा मजे की देखो स्लीव्स आजकल बड़ी फैशन में है, ये वाली, ये वाली जो है ना थोड़ी सी इसके साथ शलवार है, हाँ तो छोटी कमीज है ना प्यारी लगेगी इसकी, ये शलवार है क्योंकि छोटी कमीज है, हाँ और इसके साथ ये दुपट्टा इसके साथ का नहीं था, अच्छा ये उन्होंने खुद इसके साथ थोड़ा कंट्रास्ट करके मैच कर दिया, अच्छा ये उन्होंने इसमें है हल्का सा पर्पल, पर्पल है और सिल्वर है, सिल्वर है, दुपट्टे वालों के पास इतनी सारी चीजें बनी बनाई मिल जाती है, ये वो इन्होंने डाई नहीं कराया, इन्होंने वो कलर मैच किया, कलर मैच किया, दुपट्टा ऐसे ही था बस, ये लेके इसके साथ इन्होंने मैच कर दिया, बाकी अगर आप चाहें तो इसके साथ आप कोई और प्लेन दुपट्टा भी ले सकते हैं, प्लेन सिल्वर अगर ज्यादा हैवी नहीं करना, अम्माओं के पास शनील के कपड़े कहती थी वो, वेलवेट को कहती थी शनील के कपड़े, शनील के कपड़े निकालो सर्दियाँ, क्योंकि मुझे शॉल पहनने में मजा नहीं आता, अगर सर्दियों की शादी है तो मैं कहती हूँ कि वो वेलवेट जो है ना वो, और इतनी खूबसूरत वेलवेट आ गई, प्योर वेलवेट मुझे चाहिए, मुझे मैंने कल कहा है कि मुझे एक ग्रीन में चाहिए प्योर वेलवेट, अच्छा मेरे पास शॉल ऑर्डर, अभी ऑर्डर ले लो, बहर ले शॉल, सबसे ज्यादा वेलवेट की प्लेन में चाहिए, कोई काम को नहीं शॉल अगर पहननी है तो प्लेन बनवानी है, और उसके वेलवेट की ड्रेस नहीं, मुझे शर्ट बनवानी है, वेलवेट की इंपोर्टेड जो वेलवेट आया है ना उसका ये बहन ये जगह बता, जगह निदा यासर के पास, यही तो बता रही हूँ कि एक ब्लू में चाहिए, एक वो एमरल्ड ग्रीन चाहिए, इतना अच्छा उसका फ्लेयर है, उसको पहन के मैंने अपनी कजिन की शादियों में ना वही पहना, ना मुझे शॉल पहननी पड़ी ना कुछ, उसको पहन के इतना अच्छा फील आता है, कंफर्टेबल, काम बनवाया या प्लेन, काम बनवाया, अच्छा काम बनवाया है, और बहुत मजा आया, हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े कभी कभार अक्सर ऐसा होता था कि हमने बड़े चुभने वाले कपड़े पहने, मैंने शो पे इतने सारे डिजाइनर के कपड़े पहने, सो उससे मुझे ये सबक मिला कि यार शादी में आपके चेहरे पे कंफर्ट नहीं है, नहीं बेकार, आपने सबसे मिलना है, इतने सालों बाद आप मिल रहे हैं और यहाँ खारिज हो रही है, और अगर आप अच्छे कपड़े पहने हुए हैं आपका चेहरा अलग ही खिलता है, कंफर्टेबल कपड़े, शादी वाले कपड़े जो है उसकी कंफर्ट वाली कोई डेफिनेशन ही नहीं है, और मजे की बात है कि कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, कल मैं ना सबसे अलग नजर आ रही हूं, एक वलीमा था उस पे मैं गई तो मैंने ब्लैक खाड़ी का गरारा निकाला, ब्लैक मेरी वेलवेट की छोटी शर्ट थी तो वो
अब पुराना स्टाइल हो गया. मैंने कहा इतनी छोटी शर्ट तो मैं पहनती नहीं. मैंने कहा ब्लैक गरारा निकालो, सिल्क का गरारा का मेरा जल्दी से ब्लैक सिल्क का गरारा और बेज कलर की मैंने शॉल ऐसे करके ऐसे ऐसे डाल दी. बस मैंने कहा बस ऐसे पड़ा रहने दो, खुश रहे ससुराल वाले के शॉल. ओ माय गॉड, लेने के भी तरीके होते हैं. मैं कल देख रही थी शॉल के भी साड़ी के भी ना इतने जबरदस्त स्टाइल्स हैं. मुझे कल बहुत एक मैंने रील देखी किसी की, उसने क्या किया, लड़की ने उसकी कामदानी की साड़ी थी. अब कामदानी पुराना काम टाइप है ना, लेकिन उसने इतनी मॉडर्न तरीके से ली. उसने क्या किया, साड़ी जो है उसको बिल्कुल एयर होस्टेस वाला पल्लू की तरह लिया यहाँ, और उसके बाद उसने ये जो कामदानी का वो था ना वो यूं रख के वो यूं लेकर आई ना यहाँ से, और वो सारा कामदानी का काम गले पे नजर आ रहा था. ना उसको जरूरत पड़ी ज्वेलरी पहनने की कुछ, और वो ऐसे मजे से साड़ी को होता है यूं ले लेके चलो एक वो आपका टाइम होता है. और वो बिल्कुल एयर होस्टेस वाली साड़ी नहीं है, प्लीट्स बिल्कुल सिमटी हुई और वो इतनी कोई खूबसूरत, और इसने यूं डाला हुआ था टेढ़ा टेढ़ा करके. बस वही ना अपना स्टाइल कर रहे हैं. मैंने ऐसी साड़ी पहननी है, मैंने ऐसी साड़ी बनानी है, क्योंकि वो मुझे इतना स्टाइलिश लगा कि साड़ी में आप वैसे ही आप बड़े स्मार्ट लगते हो. तो आप कभी कभार पल्लू खोल के भी साड़ी लेते हो, कभी कभार आप पल्लू इस तरह लपेट के भी लेते हो. अभी तुम ब्रेक ले रही हो या मैं ब्रेक पे? ब्रेक लो, ब्रेक पे मैं बैठ. ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक के बाद आपको मजीद आइडियाज देंगे. सॉलिड कलर्स हम इसीलिए आप फोकस करें कि सॉलिड कलर आप बहुत दफा यूटिलाइज कर सकते हैं. कोई एक चीज महंगी ले लें, जैसे फॉर दुपट्टा है या शर्ट है या ट्राउजर है, जो भी जिस पे आपका दिल आ रहा है वो महंगी ले लें, और उसको आप 3 से 4-5 दफा स्टाइलाइज करके अलग अलग चीजों के साथ पहन सकते हैं. हमारे प्रोग्राम का आज मकसद ये है. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज आप देख रहे हैं कि हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं ये भी जाहिर है ये खुद कमाते हैं, ये नहीं है कि मियां का पैसा उड़ा रहे हैं, खुद कमाते हैं. उसके बावजूद भी इतने कफायत चाह रहे हैं कि एक ही चीज़ को 3-3, 4-4 जगह यूटिलाइज करते हैं. और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐसे हैं नामवर जिन्होंने ये मिसाल कायम की. बिल्कुल. तो अब पता नहीं क्यों हमारी आवाम में ये चीज़ है कि हर जगह के लिए नया कपड़ा बनाना है, हर शादी के लिए नया जोड़ा. मैं खुद अपनी बेटी को भी समझा रही होती हूँ. और फिर एक बार पहनना, बार दोबारा पहनना. हाँ, नहीं नहीं भाई, मम्मा मैंने तो इंस्टा पे स्टोरी डाल दी, ये होता है इंस्टा पे पोस्ट कर दी, अब दोबारा पहन नहीं सकते. भाई सबने देख लिया भाई, पहन लो दोबारा. हमने शो पे कितने रिपीट किए हैं, मैंने तो कई बार रिपीट किए शो पे. मैंने ये आज रिपीट कर कर तो आई हूँ शो पे. 3-4 साल हो गए, पहले पहना था, कोई बात नहीं दोबारा पहन लो थोड़ा सा चेंज करके. मेरे खुद जो वार्डरोब में कपड़े हैं मैं उसको इतने मिक्स एंड मैच करके यूज करती रहती हूँ अलग अलग जगहों पे, क्योंकि जाहिर है आपने इन्वेस्ट किया है एक जोड़े पे, आपने खर्चा किया है, तो आप उसको एक दफ़ा पहन के नहीं हैंगर में टांग सकते. तो इसीलिए अक्लमंदी ये करें कि कपड़े ही ऐसे खरीदें कि वो देर पा हों. ये बच्चों को शो ये सोच आती कहाँ से, क्योंकि माएँ तो ये सोच नहीं देती है. माएँ तो कहती है इसको यूटिलाइज कर लो. नहीं नहीं किरण किरण, जिनकी माएँ माओं के अंदर ये सोच होती है ना खुद, तो वो बच्चियों में ट्रांसफर हो जाती है. लाइक मेरी अम्मा, उन्होंने मेरे अंदर ये चीज़ डाली है कि तुम एक ड्रेस बना रही हो. वो तो चलो अच्छी सोच डाली है ना, लेकिन अब जैसे आजकल की लड़कियां हैं, जैसे मेरी बेटी ऐसी ही सोचती थी, तो मैं उसको ट्रेन कर रही हूँ अब आहिस्ता आहिस्ता. मैंने कहा ये देखो ये वाला ब्लाउज है ना उसके साथ. अब मेरा एक शरारा था और वो बड़ा एक्सपेंसिव मैंने शरारा बनाया था. जैसे थोड़ी मैच्योरिटी आई, मुझे लगा मैं उस शरारे में मोटी लग रही हूँ, मुझे नहीं अच्छी लग रही मैं, तो मैंने उसे कहा कि ये शरारा तुम अपनी फिटिंग का करा लो और ब्लाउज बनवा. सही है. फिर मेरी एक बहुत एक्सपेंसिव सॉलिड कलर की साड़ी थी, प्लेन शामोज सिल्क की 80 ग्राम, जो मैंने बहुत एक्सपेंसिव किसी डिजाइनर से खरीदी थी. तो मैंने उसे कहा तो मैं अब वो पहननी है ना, अच्छा तो उसका ब्लाउज मैं तुम्हें बना के दे देती. अच्छा, सही है. उसका पेटीकोट और साड़ी वो सारा यूटिलाइज हो जाएगा, एक अलग ब्लाउज होगा तो एक नया अटायर हो जाएगा. नया, बिल्कुल यही होता है. तो और आपकी साड़ी यूटिलाइज हो जाएगी. मेरी साड़ी जो मैंने एक दफा एक ब्लाउज के साथ पहनी है उसको वो दूसरे के पहनेगी. और जब पहननी है पहन लिया. और मैं भी अब ऐसे ही करूंगी कि अब मुझे किसी और शादी में जाना है, मैं काम वाला ब्लाउज बनवा लूंगी. और अब साड़ियों के साथ इतने मजे का आया है, आप अपने कोट्स पहन सकते हैं साड़ी आप, आपके पास है जैकेट. मैंने अपने कलेक्शन में एक लॉन्ग कोट निकाला है जो लाइक मुझे ये था उसके पीछे ये सोच थी कि लाइक जब मैं साड़ी पहनती थी तो वो थोड़ा सा आपकी बॉडी पूरी एक थोड़ी सी शेप में आ जाती, तो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद.
तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए मैंने एक बहुत प्यारा उसके पीछे कोट निकाला, तो वो कोट मैंने अपने के मुझे नहीं इतना फ्लॉन्ट करना अपनी बॉडी को, तो वो कोट मुझे पीछे से छुपा के रखेगा, साड़ी की आगे से लुक आ जाएगी जो मुझे चाहिए। मिया भी खुश, बीवी भी खुश, शॉर्ट वाले भी इतने अच्छे चल रहे हैं कि आपके जो घर में रखे हुए अगर आपकी जैकेट्स हैं, फॉर्मल जैकेट्स की मैं बात कर रही हूँ, और ये तो लेटेस्ट डिजाइन है ना, लॉन्ग कोट। लॉन्ग से क्या है, वो जो अक्सर खवातीन बहुत थोड़ा पर्दा करती है तो वो साड़ियाँ नहीं पहन पाती, उनको बहुत शौक होता है क्योंकि उसमें पूरी आपकी फिगर हग करती है ना, एक नजर आती है, दिखता है पूरा, तो वो जो है उनके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है कि वो भाई पूरी कवर्ड भी है आगे से साड़ी की, वरना साड़ी की लुक थान लगती है अगर आप पूरी कवर्ड है और ऐसे पेट नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपने उसको भी स्टाइल करना है अपने चादर में रहते हुए, अपनी इजाजत में रहते हुए, तो आप बहुत तरीके से कर सकते हैं अपनी साड़ी में रहते हुए। मतलब आगे से वो प्लीट्स आ रही है, पीछे से एक सीक्वेंस का कोट आ रहा है, सो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत जरूरी नहीं है कि आप स्किन शो करें और तभी आप स्टाइलिश लगे, आप बगैर स्किन शो किए हुए ये भी नहीं स्किन शो करती। और पहले के दौर में ना क्या होता था कि एक ट्रेंड सेट होता था, सब उसको फॉलो करते थे, आज हम खुद अपने ट्रेंड सेट करते हैं और सब उसको फॉलो कर रहे होते हैं और डिफरेंट तरीकों से, इसी वजह से पहले की खवातीन में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो हमारे अंदर है। सोशल मीडिया से हमें ये चीज़ भी एक बहुत बेहतरीन मिली है कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया है चीज़ों को चेंज करने का, क्रिएटिविटी ज़्यादा दिखाने का। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे शो पे अक्सर शुरू शुरू में सेंस नहीं थी, बहुत सारे डिजाइनर्स होते थे उनकी जो चोलियाँ होती थी वो थोड़ी छोटी होती थी, नहीं जैसे काशी आया तो उसकी कुछ चोलियाँ थी जो मुझे शरारे पहनने थे शो पे वो छोटी थी, मैंने कहा यार मैं इसको क्या तकलीफ दूँ, मैंने अपनी हाई नेक्स निकाली, सर्दियों का ही जमाना वाली ना सारी, मैंने अपनी हाई नेक्स निकाली, मेरे पास ब्लैक वाइट मरून मेरे पास हर तरह की हाई नेक्स थी, वो मैंने उसके शरारों उसके पास मरून था तो मैंने मरून हाई नेक पहन ली, और यहाँ चोकर पहन, नहीं 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 अच्छा वैसे ही मैंने उसकी चोली नहीं पहनी, मैंने उसका घाघरा लिया और दुपट्टा लिया, और मैंने अगर वो ब्लैक था या कोई और कलर था मैंने वो स्कर्ट पहना। बहुत सारी डिजाइनर्स हैं, ज़ैनब चुटानी है, उसका शरारा मुझे आ गया, चोली नहीं फिट आ रही, क्या करूँ, मैंने कहा ज़ैनब शरारा दो मैं उसको स्टाइल करती हूँ, मैंने उसका दुपट्टा शरारा लिया, ब्लैक हाईनेक पहनी, बिल्कुल गुड टू गो। बिल्कुल साड़ी में छोटी नहीं पहन सकती थी, डिजाइनर्स की साड़ी इतनी हसीन, मैंने हाईनेक के ऊपर साड़ी पहनी, हाईनेक के ऊपर, यस वाओ, इतना प्यारा लुक आता है, इतना प्यारा लुक आता है, तो कैरी ना, ये तो बात ही है कि आप किस तरह कैरी कर रहे हैं। मेरी पिक्चर्स हैं, मैं अगर हो सकेगा तो अगले सेगमेंट में दिखाऊंगी कि मैंने हाईनेक्स के साथ काशी के शरारे पहने हैं। हाँ बिल्कुल, हमने देखे वो शोज, ज़ैनब चुटानी के शरारे पहने हैं, HSY के कपड़े पहने हैं, बहुत सारी चीजों को, उसका कोट था वो मुझे फिट आ रहा था, अंदर की चीजें फिट नहीं आ रही थी, मैंने कहा ओके, मैंने अपना एक प्लेन जोड़ा निकाला, उस प्लेन जोड़े के ऊपर मैंने वो कोट पहना, ईद का शो कर लिया। सो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको सीखने को मिलती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आता है। जैसे मैंने आपके शो पे वो नहीं पहना था, वो जेंट्स की वेस्ट कोट पहनी थी लेकर आई, तुम तो जेंट्स के कुर्ते ही है, कुर्तबा मार्केट से पता नहीं कहाँ से, जेंट्स की कुर्ता गली से, मैं भी पहनती हूं, मुझे इतना मजे का लगता है, वो इंडियन कुर्ते जो होते हैं ना, मैंने वो जेंट्स का लिया, इतने खूबसूरत कलर्स थे उसमें, ब्राइट ग्रीन कलर था कुर्ता, वो सिलवाए थे लड़कों के थे वो, सामने काम था, शॉकिंग पिंक कलर, और वो रेडीमेड मिल जाते, रेडीमेड औरतों के नहीं मिलते रेडीमेड इस तरह के, तो उसको शरारे के साथ आप पहनने और दुपट्टा लेने में इतना प्यारा लगा। मैं तो वेस्ट कोट पहनी थी अपने कॉटन के सूट के साथ, शरारा और कॉटन की जो शेडो वर्क की शर्ट, उसके साथ मल्टी कलर वेस्ट कोट थी, वो भी जेंट्स की थी, 650 रुपए की, तो मैंने इसका यूट्यूब पे भी बनाया था, तो बहुत मेरा हिट किया। ये भी बता दें आपने कहाँ से ली थी? अरे वो ऑर्डिनरी दुकान तारिक रोड, तारिक रोड के पीछे नहीं आदमियों की, वो पूरी एक कुर्ता वाली गली है, वहाँ बहुत सारी ऐसी कलर चीजें, आपके पास सिर्फ नजर होनी चाहिए कि आप एक नजर में जाते थे देखें, ओ अच्छा ये इसको ऐसे कर सकते हैं, ये एक चीज है। अच्छा चलो तुम जरा दिखाओ, अच्छा जी इतनी देर से हम गरारा गरारा कर रहे थे ना, तो वो हमारा खानदानी गरारा है ये, मतलब ये गरारा वो है कि अब बाजी की बहू तक ने पहन लिया, मतलब अब सोचो कितने कितनी नस्लें और पहनेंगी। ओह माय गॉड, उन्होंने मुझसे कहा सादा मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं कहा बेटा क्यों क्या चाहिए, मेरे पास मस्टर्ड येलो कलर की शर्ट है, हाँ गरारा रेड कलर का है और ये इसका दुपट्टा है। अच्छा एक्चुअल तो ये जैसे आपने कहा ना गोल्डन
पजामे के साथ, ये एक जिन दिनों ये पेपलम शर्ट चली थी तो ये इसके साथ की ये शर्ट है। वैसे ये अभी भी अच्छी लगती है पेपलम, और ये इसका दुपट्टा, तो मैं बड़े कोई कलर कॉम्बिनेशन पेपलम के साथ, पता नहीं क्यों ट्राउजर नहीं अपने ऊपर अच्छा लगा। आपको नहीं अच्छा लगता ना, ये भी ये देखें ये ठीक है, ये मेरा और मीरब के सेम था, ये आपके ईद के उस पे चले भी थे, हमने जर्मनी में पहने थे ये हम लोगों ने। वाओ ठीक है। अच्छा उसके बाद जब दिल भर गया तो हमने कहा बहुत हो गया, अब इसको यहाँ टांगो। खानदानी शरारा। अच्छा खानदानी शरारा अब नहीं, फिर बना ये गरारा इसके साथ, मेरी कजन की शादी आई, ये बना गरारा। ये था गरारा, क्योंकि पेपलम ऊंची होती है तो, और गरारे की गोट दिखनी जरूरी है, वरना गरारा खूबसूरती नहीं आती। तो आप देखिए कैसा लग रहा। अच्छा बेज और रेड का ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगा, मतलब ये भी बड़ा सेफ कलर है, सेफ कलर। अच्छा इसके बाद मेरे पास एक है आसिम जोफा का, बहुत ही खूबसूरत मस्टर्ड येलो कलर का सूट, मैंने अभी इस गरारे को उसके साथ पहना, और उसका पर्पल कलर का दुपट्टा है। मतलब ये गरारा खानदान में सबने पहने, अब्बा जी पहनेंगी एक और निकाह के। अब आप देखिए इस शर्ट के साथ भी मैं ये पहन चुकी। तो सुने इस गरारे को किसी ने कॉपी नहीं किया कि चले हम एक और? नहीं ना, सबने का सादा ने बना लिया तो हम काफी है ना, हम पहन लेंगे बस। ये देखिए नाइस नाइस, बहुत अच्छा। और इसके साथ दुपट्टा, लॉन्ग शर्ट के साथ दुपट्टे तो बहुत है ना, ये लो तो देखो कितनी चीजें। नहीं इसके साथ नहीं जा रहा ये दुपट्टा, ना ना दुपट्टे तो बहुत सारे मेरे पास निकल आते। ये जो सादिया ने कपड़े पहने हैं ना, ये दुपट्टा इस पे जाएगा। पिंक का शेड है आपका, मुझे रेड और पिंक की कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं लगती। ये दुपट्टा मेरे इस ड्रेस पे जा सकता है, अभी करते हैं इसको दिखाएं। आप तमाशा देखें, आप बैठ के ये देखो, ये आप पड़ोसियों से मांगने चले जाएं। नहीं देखो ना कितना, ये एक्चुअली मैच हो गया, एक्चुअली हो रहा है ना, मुझे एकदम से लगा मैं लेकर आई हूँ अपना ड्रेस। जब से बैठी देख रही थी का हुआ ये, जब से बैठी वही देख रही थी कि मैं आपसे भी कहने वाली थी नेक्स्ट टाइम ना आपसे मैं भी ड्रेस बोरो बेशक बिल्कुल ले मैंने, और अब मैं भी लूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो लोग कहेंगे क्या सीख दे रही है निदा, एक दूसरों को कपड़े। और देखिए निदा ये होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप लोग फर्स्ट कजन्स हैं आपस में, या बहने आपस में, भाभियां हैं आपस में एक दूसरे को, भाई आपका मैका अलग, फिर उनके आगे दोस्तियां अलग, तो जो मेरे अगर कपड़े तो उन आपके मैके वाले के शादी है, ससुराल में जा रही है अगर तो भाभी से कुछ मांग के पहन, मैं पहनती हूँ। निदा अगर मैके में जा रही है तो नन से मांग के कुछ पहन सकती, ये होना चाहिए। इससे एक तो आपकी मोहब्बतें बढ़ती हैं, और फिर दूसरा स्टाइल आपका चेंज होता है, हर एक का तो स्टाइल होता है ना, जब आप दूसरे के स्टाइल कैरी करते हैं तो वो अलग आप दिख रहे होते हैं, तो ये जरूर करना चाहिए, मुझे तो अच्छा लगता है। लेकिन ये अच्छा है खानदानी गरारा, आपने देखा खानदानी, बस ये ना कह दे शादी में अरे भाभी आप मेरे गरारे में तो बहुत अच्छी। वैसे इस तरह मेरा गरारा तो आप पे मुझसे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि किसी को पता भी नहीं चलता, मुझे निकल जाता है कभी कोई रिश्तेदार आपका भंड मारने वाला होता है। ये मेरे साथ पता है क्या होता है, मेरी साड़ियाँ क्योंकि पूरी ट्रैवल करती है ना, मतलब कभी बाजी ने पहनी, कभी किसने पहनी, कभी किसने पहनी, अब अगर गलत पहनी या बाजी का आंचल गलत है तो मैं भागी भागी जाती हूँ, बाजी ऐसे नहीं ऐसे क्यों करे, ऐसे नहीं ऐसे, अरे अब सबको पता चल जाएगा हमने इनकी पहनी। ये साड़ी में होता है, कपड़ों में नहीं होता। अच्छा जिसके कपड़े होते हैं ना उसे ज्यादा बेहतर पता होता है, तो वो इतनी सी भी जो जरा जरा सी बारीकियां ना वो नोट करता है। अच्छा मेरे साथ इतनी दफा ब्लंडर हुए हैं, शुरू शुरू के दिनों की बात है, मुझे डिजाइनर ने कपड़े भेजे, अब पीछे भी काम है ना, आगे भी काम है, मैं भी कर रही हूं, बड़ा मजे से कॉन्फिडेंटली उल्टा पहन के पूरा शो कर दिया। वाह वाह मेरे डिजाइनर का मैसेज आया, कॉन्फिडेंस है क्या बात है। मैंने कहा सुने वो उस पे बहुत काम था, तो मैंने मुझे लगा ये तो मुझे समझ आया, मैंने उसको आइडिया दे दिया, मैंने कहा आप जब ये जोड़ा बेचेंगी तो आप कहिएगा ये उल्टा भी पहन सकते हैं आप सीधा भी पहन सकते हैं, इट्स लाइक टू इन वन ना, तो उसकी और मार्केट बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा अगर आपको किसी करीबी वाले की शादी पे जाना है तो आप पीछे जो मैंने पहना है वो आगे पहनने बड़ा वाला, और जब आपको कम करीबी वाले में जाना है तो दूर के की शादी में। नहीं ये ये ब्लंडर्स हुए हैं शो पे, ये ब्लंडर तो मेरे साथ भी हो चुका है शो पे, पीछे काम था वो मुझे डिजाइनर ने बाद में कहा कि ये आपने उल्टा पहना हुआ था इसको, मैंने कहा आई एम सो सॉरी, लेकिन वो वैसे भी अच्छा लग रहा था दोनों टू वेज। अच्छा ये चीज फैशन में भी है कि बैक साइड पे काम ज्यादा होता है, हम शूट करते हुए हमारे अक्सर बैक पर गला बना हुआ होता है, ऐसे गला पट्टी और फ्रंट थोड़ा कम रखते हैं क्योंकि अब फ्रंट पे दुपट्टा आ जाए, उसको दुपट्टे से स्टाइल करते हैं। वैसे ये वाला गरारा इस तरह के एक दो कलर्स में ना होने चाहिए, क्योंकि गरारा जो है ना वो एक आपका ऐसा फैशन से जाते ही नहीं, कभी फैशन से जाता नहीं है, आपका आपको जरूरी चाहिए होता है। एक इसमें हमारे पास रॉयल ब्लू कलर भी है, रॉयल ब्लू पे रेड शर्ट बनती है, बनारसी मटेरियल है क्या है।
बनारसी आपका जामावार आप जो भी ले, क्योंकि अगर आप प्योर जामावार लेते हैं वो एक्सपेंसिव भी होता है। एक आध ये गरारे बना के रख लें, मुझे लगता है बेज गरारे जो है ना वो सब पे चले जाएंगे, या ये रेड भी चला जाएगा। रेड एक ऐसा जो बहुत सारे कलर्स को खींच, गोल्डन भी चला जाएगा, जैसे रॉयल ब्लू मेरे पास छोटी बूटी में मेरा रॉयल ब्लू है, उसके साथ ही रेड शर्ट और रेड काम वाला दुपट्टा। उफ, वो भी शरारा गरारा जो है मेरा ख्याल है को आधा पाकिस्तानी रह गया जिसने नहीं किया, क्योंकि अभी भी वो अमेरिका में रेंट पे देना शुरू कर दो गरारे अपने। हुआ क्या, मेरी दोस्त है, उसकी भाभी आई हुई थी, उसने कहा शादी हुई थी मुझे आपका वो ब्लू गरारा बहुत पसंद है और आपके रेड दुपट्टे के साथ, मैं कर ले जाओ वो अमेरिका में। आपको एक ही जोड़ा कई इवेंट पे इस्तेमाल करना है तो सोच समझ के शॉपिंग, बिल्कुल अब अगर चलो जो भी आपने पहना हुआ अभी, अब फॉर एग्जाम्पल मेरी शर्ट है, ये मेरी शर्ट हैवी है, इसके साथ प्लेन ट्राउजर है, प्लेन दुपट्टा है, अब मैं इसको कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ, जरा आइडियाज दें। देखो जैसे ना मैं एक और चीज भी दिखा, इसको नीचे पहन सकती हूँ, इसके शर्ट के साथ, लंबी शर्ट के साथ अच्छा लगेगा, बिल्कुल तो सब चीजें अच्छी, लंबी शर्ट के साथ भी अच्छा लगेगा। ये मैं जैसे मैंने ना ये शिमी जी से एक जोड़ा बनवाया था, ठीक है, मैंने तो अब मैं इस ब्लाउज के साथ साड़ी भी पहनती, क्योंकि ये एक्शन तो उन्होंने शरारे के साथ ही मुझे बना के, लेकिन मैं इसके साथ ब्लाउज के साथ साड़ी पहन, अच्छा आईडिया है, क्या जरूरत है आपने, अब इसके मेरी साथ क्या साड़ी हॉट पिंक कलर की साड़ी है, इतनी हसीन लगती है और उस पे मोटी वाली कामदानी है, और उसको मैं जैसे आप कह रही थी ना मैं पूरा पतला हो करके और ऐसे ही घुमा के डालती हूँ, तब बड़ा क्लासी लगता है। दुपट्टे का स्टाइल थोड़ा गर्दन पे टेढ़ा होना चाहिए, टेढ़ा तो ये बहुत क्लासी लुक आती है, मतलब स्कार्फ की तरह ये टेढ़ा होना चाहिए, तो मैं लोगों से शेयर करूंगी। जरा सा दुपट्टा ऐसे एक साइड से दुपट्टा हो, वो दुपट्टा होना चाहिए शिफॉन का, ये नेट का चलेगा, वो शिफॉन हाँ इससे भी बन जाएगा, लेकिन शिफॉन जो है ना वो बहुत जल्दी फोल्ड हो जाता है। चलाओ जरा फोल्ड करके हम दिखाते हैं ना, पकड़ो जरा इसको फोल्ड करके, क्योंकि ये थोड़ा मोटा मोटा कामदारी का काम होता है ना, तो वो पतला होता है, ये नेक पे तो चोकर की तरह पतला ही अच्छा लगे, हाँ वो बिल्कुल मोटा मोटा नहीं होना चाहिए, तो जो शिफॉन होता है वो बिल्कुल आप उसको फोल्ड करो, एक सेकंड तो बहुत जल्दी कर रही हो मैं तुम्हारी स्पीड मैच नहीं कर पा। और चीज मैं जरूर कहूंगी और पतला करो, मैंने ये अभी अपनी रिसेंटली शादी के कपड़ों में किया है, कि नहीं ये मोटा हो रहा है, काम वाले कपड़े होते हैं ना, पूरे पूरे काम को ना आप अप्लाई करवा ले, कटवा के नए जोड़े बाल पीछे करो नई चीज पे, ये जैसे आया साड़ी का तुम्हारा गला खाली नहीं है, तुम अपना गला खाली करो, हाँ दुपट्टा हटाओ ना, चले ये निदा वो बता रही है जो यूट्यूब पर आपने एक स्टाइल मैंने देखा, ये देखा था, उसने साड़ी को ऐसे लिया हुआ था, ये पल्लू आ रहा था और इसने कुछ इतना स्मार्ट लग रहा है, ये मतलब साड़ी यूं आ रही थी, समझो ये साड़ी का पल्लू है और ये टेढ़ा टेढ़ा इस तरह करके ना थोड़ा खुला हुआ होगा, ये साड़ी का वो है, ये प्लीट सुई भी है, ओके हाँ, और ये इसने पीछे डाला हुआ था, पूरा साड़ी का पल्लू पीछे था और इसके साथ ये टेढ़ा हुआ हुआ ना, और वो इतनी स्टाइलिश लग रही थी, ये सारी प्लीट से देखें, ये सारी प्लीट से साड़ी की, साड़ी की, और ये ना जरा सा टेढ़ा ऐसे, बस टेढ़ा या थोड़ा खुला, नहीं थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा ऐसे टेढ़ा लुक था बहुत, पता नहीं क्यों वो पतला है ना दुपट्टा है कैसे, हाँ ये क्योंकि मोटा देखो है। वो जब उससे ब्लाउज पहना होगा ना तो उसकी आपको नेक लाइन भी शो हो रही होगी, तो आप नोटिफाई कर, और वो जो कामदानी थी ना वो पूरे बॉर्डर पे थी और शिफॉन बिल्कुल पतला पतला, इतना कोई मैंने कहा वाओ, ये पुराने जमाने में अगर आप नोट करें मुमताज वगैरह फिल्मों में इस तरह का लेती थी आप साड़ी का पल्लू, आप नोट करें डिफरेंट उससे ना, तो मैंने कहा ओ ये तो पुराने जमाने टाइप का स्टाइल है, उन्होंने बिल्कुल साड़ी चिपका के पहनी होती थी, तो साड़ी की भी अलग अलग स्टाइल है, बहुत करती हूँ साड़ी में, यहाँ से यहाँ से डबल घेर कर लिया, ये कर लिया, मुझे बहुत तरह की साड़ियाँ बांधनी आती है, मैंने एक दफा आपसे कहा भी था कि इसको इसका शो रखे, मैं आपको लाइव शो में साड़ियाँ बांधना बताऊंगी, बंगाली साड़ी कैसे बनती है, डबल घेर की साड़ी कैसे बनती है, तो ये सारी बातें छोड़े, ये आमिर खान की बेटी ने क्या साड़ी पहनी है मुझे बहुत बुरी, पूरा ओवरऑल लुक वियर्ड था, उसे धोती पहन ली और कमीज के बजाय उसने ब्लाउज पहन लिया, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने कहा
लेकिन शुक्र है वो निकाह था उसका, अभी वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रस्में नजर आ रही है। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको इतने सारे आइडियाज, मेरा ख्याल से तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम आपके खर्चे बचा सकें, और जो मुझे लगता है ये वाला शो देख के बाप बहुत खुश होंगे क्योंकि बापों के ऊपर बड़ा बर्डन आता है, बेटियां, बीवी, बहनें, अम्मी, सबके जो है कपड़े उनको जाहिर अरेंज करने पड़ते हैं। तो ये स्पेशली दुल्हा भाई इसके लिए था हमारा शो कि उनकी जेब पे जो है ना वो किसी की भी खानदान में शादी हो तो इतनी भारी ना पड़े। आज वैसे खवातीन अपनी अलमारियां जरूर चेक करेंगी, सूटकेसेस खोलेंगी, दो चट्टी से निकालें, सूटकेसेस मिक्स एंड मैच करें, और क्योंकि देखिए शादियों पे ना महंगे महंगे काम के कपड़े बनते हैं बहुत, तो एक दफा पहन के उसको अटैची में रख देना, गोलियां डाल के फिर आएंगे, ये कहाँ का इंसाफ है। तो मुझे इसलिए मुझे समझ आ रहा है कि अभी जब काम में करवा रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि यार कितने एक्सपेंसिव बन रहे हैं, तो ये आप दो छत्ती पर डाल के नहीं रख सकते, आप इसको यूटिलाइज करें। लाइन से मार्च तक तो चल रही है शादियाँ, सीजन हाँ, तो वो कहीं नहीं जाने वाली, तो अपना जरा दिमाग लड़ाए। हम आपको थोड़े से और आइडियाज दे देते हैं, हमारे पास टाइम है। हाँ अच्छा हाँ। एक सिंपल सा ये पीला जोड़ा था मेरा, अब तो खैर ऐसी ही पहना था, कितना प्यारा है, बिल्कुल पुराने जमाने टाइप का, नहीं जाल दिखाओ, अगर दिखाओ बिल्कुल जाल जाल कितना खूबसूरत लगता है, पीछे भी इसके वो सितारे खानदानी और वो सितारे, ये शादी का सीजन है तो आराम से किसी की मायों में अच्छा इसके साथ कोई दुपट्टा उपट्टा नहीं था, इसके साथ मेरा लाल गरारा कितना हसीन लगे, कौन सा दिखाई गरारा, खानदानी गरारा निकालने निकालती मैं निकालती हूँ खानदानी गरारा। अच्छा आपने पैक करके रख दिया, आपको नहीं पता था कि ये यूटिलाइज हो सकता है, भाई क्या सलीका था, क्या करे टेंशन हो जाती है। मैं ये तो सोच रही हूँ कि सादिया ये कॉम्बिनेशन तो दिमाग में वैसे तो आया ही नहीं, ये देख के कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है, ये देखे ओ भाई देखो कॉम्बिनेशन कितना मजे का डिफरेंट निकल आया, बस सही है ये आपका खानदानी गरारा दोस्तों, अब आप आपके लिए हुआ तो ये देखे, तो खैर मैंने तो इसके इस पे आपको सिर्फ इतना सा खर्चा करना पड़ेगा थोड़ा सा इसको मर्ज करने के लिए, ये दुपट्टा नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, एक दुपट्टा लो ठीक है उस पे छन डलवाओ सिल्वर और गोल्डन और उसको डाई करा लो दोनों कलर्स में, तो आपका जो है ना एक जोड़ बन जाएगा और वो दुपट्टा बहुत सारी जगहों पे फिर काम आ जाएगा, काम आ जाएगा, तो डाई करवा ले इस जोड़े पे सिर्फ वो खर्चा करो दुपट्टे का। खैर मेरे पास एक और दुपट्टा था तो मैंने कहा चलो इसको इसके, लेकिन वो हरारे के साथ नहीं जाएगा, नहीं हरारे के साथ, वो तो हरारे नहीं, वो कह रही मेरा एक नॉर्मल जोड़ा था, मैं उसको किस किस तरह यूज करती हूं। हां ये देखो दो दुपट्टे, दुपट्टे तो खैर वही वाली बात है कि अगर थोड़ा सा कलरफुल चाहिए उस तरह की गैदरिंग में जाना है तो आप इसको इसके साथ भी पहन सकते हैं, और वरना प्लेन सा थोड़ा सा है ऑर्गेन्जा टिश्यू तो ये भी चल जाएगा, ये तो मिशन है जो डिफरेंस इसे गरारा दे रहा है ना, लेकिन ये गरारे जो है ना अलग के साथ वैसे पहन सकते हैं, नहीं 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 इसके नहीं साथ नहीं, दुपट्टे पे थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा किरण, अब हर चीज मुफ्त नहीं मिल सकती। करने को जुगाड़ नहीं चलेगी, देखो करने को कट तो सकते हैं, बड़ा 2,500-3,000 में बड़ा अच्छा दुपट्टा बन जाएगा किरण, अब इतना भी ना करो भाई, चलो कर लेंगे, अब थोड़ा 2,500 का खर्च कर ही सकते हो, इतने अच्छे जोड़े बर्नर निदा का दुपट्टा है, नहीं वो शेड अलग है, हां शेड अलग, शेड अलग, लूनिश सा शेड है। अच्छा एक मेरे पास ये था, ये तो सिंपल इसी तरह से मैं पहनती हूँ, कभी वाइट टिश्यू का दुपट्टा है या गोटे का तो वो पहन लिया, लेकिन इस शरारे को ना क्योंकि प्रिंटेड है और ये प्लेन है तो मैं इसको कभी कॉन्ट्रास्ट में करके इसके साथ भी जाएगा ताकि हम भी मांग सके वैसे इसके साथ पहन के और ये डग लगाए ऊपर ये सॉरी
अब देखो माय गुडनेस, मतलब कुछ जरा लॉग करो ना शकील भाई, थोड़ा लॉग करो यार, कुछ प्यारा लग रहा है, कुछ कुछ भी कर ले सब चल जाएगा एनीथिंग एट ऑल। अच्छा बहुत सारी चीजें आपके सामने जब आती है ना हाँ, तो आपको दिमाग चलना शुरू, अब शो के एंड में हमारा दिमाग इतना चल रहा है मैं ये सोच रही हूँ बस कर दो हाँ हाँ ये बहुत अच्छा लगेगा सीरियसली यही बैठे बैठे निकालते ना जरा सब तो तुमने टीवी पे दिखा दिया हाँ Oh my God. देखो ना अब इसके साथ वापस से ये चोली कर लो, बस करो अब कह रहे ना जान लोगे कुछ भी कर लो, अगर कोई मास्टर कोई कपड़ा वाला देख रहा होगा कहेगा ये बाजी तो हमें बर्बाद करके बार बार पहन ले इसको, कोई हमारा धंधा बंद कराएगी, कितना प्यारा लग रहा है कलर के साथ, और क्या कॉम्बिनेशन ही कितना फर्क हो गया, कुछ भी कर ले, कुछ ना समझ में आए तो पूछ ले हमसे, हम बता देंगे आइडियाज, कंसल्टेशन फीस रख लेंगे। Oh my goodness, जबरदस्त है ना, तो कुछ चीजें इस तरह की कॉमन है, आई थिंक ये शरारे और इस तरह के प्लेन सॉलिड कलर्स इज अ मस्ट अपनी वार्डरोब में आप रखें और चेंज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं पूछना चाहूंगी, आप सबसे मशवरा दें, जैसे अब फॉर एग्जांपल हील्स पे जूतियों पे क्लचेस पे बड़ा खर्चा करते हैं लोग, तो हम उनको क्या मशवरा दे सकते हैं कि कौन सी चीज उनके वार्डरोब में हो कि बार बार उनको क्लचेस और हील्स खरीदने की जरूरत ना पड़े। मेरे ख्याल कुछ कलर्स ऐसे हैं जैसे गोल्ड है, बेज है, ब्लैक है, वाइट है, वाइट के भी दो तीन शेड्स होते हैं जिसमें सिल्वरिश वाइट होता है, एक वाइट होता है, वो ये जरूर आपके पास, ये आपके हर कपड़ों पे फिर चल जाता है, और वो उसके ऊपर नगीने नहीं हो, नगीने ना हो ज्यादा, हाँ मतलब वो सॉलिड कलर्स हो, सॉलिड कलर आप सबके साथ ले सकते हैं, और एक आजकल बड़ा अच्छा वो ट्रांसपेरेंट है जिसके ऊपर स्टोन से ट्रांसपेरेंट हर एक पे फिर चल जाता, कोई भी कलर होगा वो चल जाएगा। जैसे एक तुम्हारा मुझे बहुत पसंद है जो मल्टी कलर का जूता है ना, जो तुम बहुत सारे कपड़ों पे पहनती हो, तुमने अमेरिका से लिया था, मतलब वो मेरी ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि वो मैं अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग कपड़ों के साथ पहन, प्लेन कपड़े होते हैं पे भी पहनती हूं, ईस्टर्न पे भी पहनती हूं, वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो ये इस तरह की चीज, ये थोड़ी सी आपकी पीसेस पे इन्वेस्टमेंट होती है, पर क्लचेस भी ऐसे हैं वही वाले बात के, गोल्डन है, सिल्वर है, बेज है, ब्लैक है, क्लचेस है, या फिर वो वेलवेट के पाउचेस टाइप भी बनते हैं ना जिन पे काम हुआ होता है कुछ इस तरह, स्पेशली मल्टी कलर, अगर आप भी मल्टी बनवा ले वो सब पे जाएगा, वो मल्टी कलर हो गया सारे कलर, नहीं जैसे ये बेज पाउच है, बेज है या ब्लैक है, रेड, तीन चार लेके रख ले और वो आप सब पे चला सकते हैं, उससे बहुत एक शादी वाली लुक आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है। अच्छा अब हम आपको सिर्फ जबानी नहीं बता रहे, दिखा भी रहे हैं, पहले किसका दिखा रहे हो, आलिया भट्ट ने जो शादी पे साड़ी पहनी, हम अपनी शादी की चीजों को रख देते हैं दो छत्ती में मलमल के कपड़े में लपेट के, और फिर हम कहते हैं हाय इसको तो कीड़ा खा गया, ये काला हो गया, अब ये देखिए केट मिडल, मतलब ये तो धड़ल्ले से रिपीट का हाल है ये महंगे होते हैं क्या आउटफिट्स भाई, आप देखिए उसने इवन कई बार रिपीट किया, इवन आई रिपीट माय क्लोथ्स एंड सिल्क, आप ये देखिए कितनी दफा उसको अलग कोट के, अब निदा यहाँ से तुम भी आप देख ले, ये वही हाईनेक बता रही हूँ मैं आपको, ये बताऊँ ये हाईनेक मेरी अपनी है, ठीक है नहीं आ रहा मुझे ब्लाउज, या मुझे लग रहा है वो बहुत हैवी हो रहा है, मैंने अपनी हाईनेक, वही काशी का लहंगा जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये वो खानदानी हाईनेक है जो साड़ी के ऊपर भी चल जाती है, कपड़ों के ऊपर भी चल जाती है, जो शरारे कभी दोबारा, ये देखिए मेरी वाइट हाईनेक, दुपट्टा खोल के ले लिया, ये वाइट हाईनेक मैं बहुत सारी वेस्टर्न लग रही है उस पे पहनती हूँ, जब ट्रिप पे जाती हूँ वेस्ट कोट के नीचे आ जाती है, बिल्कुल ये देखें, ये मेरा ब्लाउज है और ये मेरी शॉल है गोल्डन, ये मेरा साड़ी का ब्लाउज है वेलवेट, प्लेन साड़ी का ब्लाउज है, इसको मैं अलग अलग, ये इसको मैं साड़ी के ब्लाउज के ऊपर भी पहनती हूँ, ये मैं वेस्टर्न अटायर के ऊपर भी पहनती हूँ, ये मैं शरारे के ऊपर भी पहनती हूँ, और मैं शॉल ले लेती हूँ, तो मुझे सिर्फ शरारा चाहिए अगर, नो दुपट्टा नथिंग, वो सर्दियाँ हैं, मैंने शॉल लेके चल पड़ी, गोल्डन शॉल मैंने रखी हुई अपने, रखी सही है। तो आज के प्रोग्राम का मकसद आपके, आपको ये बताना था कि आप किफ़ायत शारी से अगर अपने पीसेस बाय करेंगे, खरीदेंगे, तो आप उनको बहुत सारी जगह
यूटिलाइज कर सकते हैं। सिर्फ आपने दिमाग लड़ाना है, अपनी क्रिएटिविटी को जो आपने दबा के रखी हुई है उसको लेके आना है और अपनी चादर में देख कर पहनना है। Do not hesitate to repeat your clothes. Yes, तरीके से सही। और एक और चीज मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने कपड़े डिजाइन करवा रहे हैं या सिलवा रहे हैं तो प्लीज जो देखा देखी में छोटी कमीज आ गई या ये आ गई, महंगा कपड़ा हमेशा ऐसा सिलवाएं जो हमेशा यूज हो सके और जो लॉन्ग सूट करे, और जो आप देखे पूरा ड्रेस खराब, तो उसके साथ फिर आप चेंज करते रहते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप चारों का अपना ज्ञान, अपने तजुर्बे लोगों तक पहुंचाने का। उम्मीद है आप, आपके बादल छट गए होंगे जो दिमाग पे आए होंगे, बहुत सारे आइडियाज मिल गए, हो सकता है बादल अब आ गए और अब तो खैर नहीं, बाजारों में होगा आज रश। थैंक यू सो मच मैके वालों, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।